चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि आज हम लोग पूरे जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले जितने लोग जुड़ चुके हैं उन सबको हम अमर करेंगे। क्लियर? मिश्रा ए जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं, राहुल जी हैं, नीरज जी हैं, अरुण कुमार जी हैं, चेतन अकबर जी हैं, डाली तिवारी जी हैं, गोवर्धन सरदो जी हैं। पहले क्या करो यार, जल्दी से शेयर कर दो। क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, कंप्लीट जीएस हम लोग करने वाले हैं। इसमें 500 प्लस क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखना। कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 500 प्लस। इसमें से आपके सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं, सारे मतलब पीसीबी भी होगा, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री, कुछ भी छूटेगा नहीं, है ना। स्टार्ट करते हैं, चलिए बहुत ही मजा आने वाला है। पहले सबसे पहला काम कर दो, आप लोग शेयर कर दो और वन बाय वन क्वेश्चन करते जाओगे। है आपके क्या करना है, सबके सब जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 500 से ज्यादा क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं। अटेम्प्ट करने इन द सेंस, आपको जो भी आंसर आता है वो कमेंट जरूर करना है, कुछ भी हो जाए कमेंट जरूर करना है। क्लियर? और जो पहला आंसर सही देगा उसको अमर करेंगे हम। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। शेयर करो, पहले जल्दी से शेयर करो, जल्दी से। वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कह रहा है कि जब कार की गति को दोगुनी हो जाएगी तो उसकी दूरी पर कार को रोकने के लिए कितने गुना बल लगाना पड़ेगा। आप एक चीज जान लो, नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया? यार आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप क्या करो जल्दी से शेयर कर दो, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते थे। पहले का एक खुशाली तिवारी जी कह रहे हैं 4 गुना हो जाएगा। आप एक चीज बताओ, फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स का मतलब क्या होता है भाई? फोर्स की बात कर रहे हैं, एफ बराबर एम ए होता है। क्लियर है ना, एफ बराबर एम ए होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन, कार का वजन तो चेंज होने वाला है नहीं, केवल और केवल चेंज क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के हो जाएगा। और त्वरण और वेलोसिटी में कैसा संबंध होता है भाई, त्वरण और वेलोसिटी में देखोगे तो वी स्क्वायर बराबर 2 AS होता है। क्लियर, क्या होता है 2 AS, जहां पर S हमारा क्या विस्थापन है और A हमारा क्या होता है त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण होता है। क्लियर है ना, सिंपल सी बात है। अगर जो आप वेलोसिटी को डबल करोगे, 2V का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4V स्क्वायर, यानी कि ये सीधे के सीधे आपका क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? 4 गुना। सही आंसर क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स, यानी कि A पार्ट। क्लियर, चलो पहला नंबर क्वेश्चन का ये पार्ट। दूसरे का आंसर बताओ भाई जल्दी से, क्वेश्चन नंबर दो। दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि है। मूल राशि का मतलब समझ में आना चाहिए, मूल राशि का मतलब क्या होता है भाई, ऐसी राशि जो डिपेंडेंट नहीं हो किसी पर, यानी कि वो अपने आप पर कोई किसी से मतलब नहीं रखती है। क्या हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी। क्या है? आयतन। आयतन तो किसी से मिलकर बना होता है। वेग की बात करें तो वेग भी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। टाइम हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है? फंडामेंटल। फोर्स भी तो अभी हमने फार्मूला लिखा है, क्या होता है, एफ बराबर एम ए। क्लियर, यानी कि वो भी हमारा किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है। क्लियर, चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 और 4 फटाक से आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर पहले शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो, पहले शेयर करो और लाइक करना नहीं भूलोगे, है ना, लाइक करना नहीं भूलो। आपको अगर जो सारे क्वेश्चन आते हैं आप ये समझो को रिवीजन कर रहे हैं, इतने जल्दी आप कुछ भी कर लो रिवाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर, चलो आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, कह रहे हैं कि यदि एक कोशिका ट्यूब का व्यास 2 गुना हो जाता है, उसमें पानी का उदय होगा। कोशिका ट्यूब का मतलब समझ रहे हो ना, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं उससे पहले। क्लियर है, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है भाई, 1 2 3 4 से ये क्या है, चलिए कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, बहुत ही पतली एक ट्यूब हुआ करती है। क्या? बहुत ही पतली एक ट्यूब हुआ करती है। आप ये समझो कि आपके सर के बाल होते हैं ना, उससे भी पतली ट्यूब होती है। उसमें क्या होता है, जब भी हम उसको लिक्विड में डुबोते हैं, क्या करते हैं, लिक्विड में डुबोते हैं, तो पानी क्या होता है उसके अंदर ऊपर चढ़ जाता है। पानी या कुछ भी लिक्विड है तो हमारा उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये कैसे चढ़ता है, इसका जो राइज होता है, ये सपोज करो यहां तक उसका पानी चढ़ा, लेकिन ये उसका जो ये आपका पोर्शन दिख रहा है ना, सेम नहीं होगा। या तो ये पोर्शन उसका इस टाइप से राइज हो रहा होगा, कोने या तो छोड़ रहा होगा, या तो आपका इस टाइप से राइज होगा।
अब ये कैसे राइज होता है, ये कोने हमारे कैसे छोड़ता है, ये डिपेंड करता है कि इसमें जो भी हमने लिक्विड लिया है उसका, और ये जो हमारा जो भी लिक्विड लिया है और ये जो हमारा सरफेस है जिस भी मटेरियल का है उसके बीच वाला फोर्स कितना मजबूत या कमजोर है। आप देखोगे इसमें आप मरकरी भरोगे, क्या मरकरी भरोगे तो आपका क्या होगा, क्योंकि वो क्या होता है कांच में बिल्कुल भी नहीं टच करता है, तो वो आपका किस टाइप का शेप बनाएगा, इस टाइप का शेप बनाएगा। और जो मटेरियल के साथ अपना अरेंजमेंट कर लेगा वो किस टाइप का शेप बनाएगा, इस टाइप का शेप बनाएगा। क्लियर है? तो वही हमसे पूछ रहे हैं कि कोशिका ट्यूब का व्यास इसको कह रहे हैं दोगुना कर दें तो उसकी हाइट में क्या फर्क पड़ेगा, ये आपकी हाइट होती है, ये आपका कह रहे हैं दोगुना कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, बताइए क्या हो जाता है भाई। अरे ये सीधे क्या होता है, उसकी हाइट की बात करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डायमीटर के, किसके डायमीटर के। इसको अगर जो आप डबल करोगे तो ये क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्लियर है? क्या हो जाएगी, आधी। चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लोहे की सुई को जब धीरे से रखा जाता है तो पानी की सतह पर वो तैरती है क्यों, ये पानी के नीचे रहेगा तब ये अपने वजन से अधिक पानी को विस्थापित कर देगा, सुई का घनत्व पानी की घनत्व की तुलना में कम है सतही तनाव के कारण, अपने आकार के कारण। सतही तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण, क्या है सरफेस टेंशन, सही आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, सरफेस आपने देखा होगा कि जो सॉप के बबल होते हैं तो आप लोग जब फूंकते हैं उसको तो एक जो पूरा बबल बनता है तो वो सरफेस टेंशन की वजह से वो बबल बनता है। क्लियर है? वही चीज इसमें है। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन ये दिया गया था सुई का घनत्व तो पानी के घनत्व की तुलना में कम है, नहीं भाई साहब आप ये बताओ लोहे का घनत्व तो ज्यादा होता है कि पानी का, अगर जो आप लोहे की बात करोगे तो पॉइंट सॉरी हाँ 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि अगर जो इसकी हम बात करेंगे तो 0.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये किसका है वाटर का है और वो किसका है लोहे का है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं हमसे, एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का दोगुना है, यह कैसे समाप्त होगा, कैसे समाप्त होगा भाई क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से आंसर कमेंट करो, एक तारे का द्रव्यमान फटाक से आंसर करो, 500 क्वेश्चन करने हैं और एनर्जी बचा के रखनी है, कुछ भी आंसर आता है आप उसको कमेंट जरूर करो, ये समझ लो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, आपका क्विक रिवीजन होगा। जिन लोगों के लिए क्वेश्चन नए हैं बहुत अच्छी चीज है। 5 नंबर का डी पार्ट, नहीं भाई न्यूट्रॉन स्टार के कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार के कारण। क्लियर? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 6 में क्या कह रहे हैं, बारिश की बूंदें ऊंचाई से गिरती हैं, इसके बाद निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, वे उस परम वेग के साथ गिरते हैं जो अलग अलग बूंदों के लिए अलग अलग होते हैं, वे एक ही परम वेग, परम वेग का मतलब समझ रहे हो ना अल्टीमेट वेलोसिटी, हाँ उनका वेग बढ़ता है और वे पृथ्वी पर विभिन्न वेग के साथ गिरते हैं, उनका वेग बढ़ता है और वे पृथ्वी के समान वेग के साथ गिरते हैं, समान वेग तो हो ही नहीं सकता है, क्या समान वेग तो हो ही नहीं सकता है, डी पार्ट तो हो ही नहीं सकता है किसी भी कंडीशन पे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताइए भाई क्या हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन जरूर मेंशन कर दिया करो कि किस वाले का आप कौन सा आंसर कर रहे हो, क्या है बारिश की बूंदें पड़ी ऊंचाई से गिरती हुई इसके बारे में निम्नलिखित कौन सा, तो क्या हो जाएगा आंसर, वे उस परम वेग के साथ गिरती हैं जो अलग अलग बूंदों के लिए अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 7 फटाक फटाक से आंसर कमेंट करते जाओ भाई, हाँ और शेयर जरूर करना, हमने कहा था शेयर और लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, पहले फिजिक्स है फिर आपका हिस्ट्री है फिर जियोग्राफी है फिर पॉलिटी है फिर इकोनॉमिक्स है फिर केमिस्ट्री है, इस टाइप से पूरा पैटर्न बना हुआ है। चलिए जल्दी से कमेंट करो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तकनीक पर फोटोस्टेट मशीन काम करता है, फोटोस्टेट जेरॉक्स, ये आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े होंगे तो उनका एक सपना होता है कि जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो उनके दो काम करने होते हैं, पहला काम एक चाय की टपरी खोलनी होती है और दूसरा काम होता है फोटोस्टेट की दुकान, क्योंकि फाइनल ईयर तक प्रोजेक्ट बनाते बनाते वो इतना फोटोस्टेट करवा चुके होते हैं कि उनको लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी में होता है। क्लियर? चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ क्या है, कह रहा है कि चुंबकीय इमेज बनाना है, थर्मल इमेज मेकिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग, क्या हो जाएगा आंसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग के कारण होता है। क्लियर? चलो
क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ में क्या है, कह रहा है कि 1 kWh इज इक्वल टू 1 kWh बराबर होता है। ये थोड़ा सा गलत दिया गया है इसमें, इस चीज को समझ लो, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा आपका। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, 3.6 मेगा जूल होता है। क्लियर है, क्या है, 3.6 मेगा जूल। क्वेश्चन नंबर आठ का कोई आंसर किसी ने दिया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल धन, अच्छा चलो ठीक है, एक बार नाम पढ़ लेते हैं। राहुल पटवा जी हैं, दयानंद जी हैं, ऋषभ जी हैं, जयपाल जी, आर के सिंह जी हैं, जय महाकाल हैं, दीपक कुमार हैं, नीरज जी हैं, सारे लोग सही आंसर कर रहे हो। क्लियर, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर नौ। क्वेश्चन नंबर नौ में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग क्या है, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर सेकेंड। ये पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, क्लियर है। नहीं घनी यार, हम भी बीटेक ग्रेजुएट है ना, तो हमें पता है एग्जैक्ट क्या होता है वहां पर, है ना, हमने भी बीटेक किया हुआ है इसीलिए हमें वहां की चीजें पता है कि क्या सोचते हैं। चलिए भाई, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, 2gme/re होता है। क्या होता है, 2gme/re होता है। क्लियर है, हमसे ये पूछ रहे, इसका कोई यूज नहीं है, इसको कैलकुलेट करोगे, अर्थ का रेडियस अर्थ का मास रखोगे, अर्थ की रेडियस रखोगे, ग्रेविटेशन, तो जब सारी चीजें कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर, चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सूरज और बारिश की बूंदें हमारे सामने होती हैं, सूर्य हमारे पीछे होता है जबकि वर्षा हमारे सामने हो रही होती है, हल्की वर्षा में सूर्य हमारे सामने और होता है, आकाश साफ होता है और सूर्य आकाश में नीचे की ओर होता है। नहीं, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, आप इसको चेक करना चाहते हो तो बहुत अच्छी से, अच्छा दीपक कुमार जी चलिए अच्छी बात है, तो आई थिंक आप समझ रहे होगे कि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं तो वहां पर यही प्रोसेस चलता है, हम लोगों का सपना ही वही हुआ करता है। चलिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दस में क्या कह रहे हैं, जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो एक चीज ध्यान से देखो, अब आपको इसको करके देखना, इंद्रधनुष का मतलब क्या है, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो कैसे थे, देखो इंद्रधनुष बना हुआ है, उसमें क्या हुआ करता था, सूरज हमारे पीछे हुआ करता था और वहां पर हल्की सी बारिश हो रही होती थी, आगे हल्की सी बारिश हो, उसकी लाइट जब उस पर पड़ती थी तो हमें 7 रंग दिखते थे। कई बार ऐसा होता है कि 7 रंग के अलावा और भी रंग दिखते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आते। इसको आप अगर जो अभी करना चाहते हैं तो क्या है, इस समय सैनिटाइजर का यूज हो रहा है बहुत ही ज्यादा, क्या सैनिटाइजर का यूज हो रहा है बहुत ही ज्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे उसके फव्वारे बनाइए और पीछे से एक टार्च जला दीजिए, क्या करिए, पीछे से एक टार्च जला दीजिए, उसका फव्वारा बनाइए, देखिए अभी आपको इंद्रधनुष दिख जाएगा, क्या अभी आपको इंद्रधनुष दिख जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी पार्ट। क्लियर, चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 फटाक से आंसर करते जाओ भाई, कुछ भी गलत नहीं करना है, सारे आंसर करने हैं, 500 प्लस क्वेश्चन है, इसके अलावा जीएस में बाहर कभी कुछ नहीं आता है, ये सारे के सारे वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन है क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, क्या हो जाएगा आंसर। प्रिज्म के बारे में आप सभी लोग 12th में पढ़ते थे या बचपन में बहुत सारा पढ़ा है, इसमें क्या होता है, जैसे ही हम लाइट डालते हैं, ये हमने लाइट डाली तो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होती थी और यहां से जब निकलती है तो बहुत सारी रेज निकलती हैं अलग अलग। क्लियर, हाँ ये आप जो प्रिज्म की बात कर रहे हैं ये 3D में कुछ ऐसे बना होगा। क्लियर, तो आप एक उसमें लाइट डालते हैं उसमें से बहुत सारी निकलती है तो ये क्या होता है, प्रकाश का फैलाव यानी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है। अरे देखो ना, ये प्रकाश का फैलाव ही तो हो रहा है। क्लियर, बी पार्ट सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक नाव तब डूबेगी जब वह उतना पानी विस्थापित कर लेती है जितना कि उसका, डूबने की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि तैरने की बात, अगर जो तैरने की बात करते तो सीधे के सीधे हम आंसर कौन सा लगा देते, ए पार्ट लगा देते, लेकिन हमसे ये कह रहे हैं कि एक नाव तब डूबेगी, डूबने की बात कर रहे हैं तो सीधे का सीधे मतलब उसका किससे हो जाता है, वजन का। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पहाड़ों पर बर्फ एक बार में नहीं पिघलती है जब इसे सूरज द्वारा गर्म किया जाता है क्योंकि यह बहुत कठोर हो जाती है, यह सूर्य से निकलने वाली अधिकांश गर्मक को दर्शाता है, इसमें कम विशिष्ट ताप क्षमता होती है, इसमें संलयन की उच्च अभिव्यक्त ऊष्मा होती है।
क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से आंसर कमेंट करो। 12 का बी पार्ट सही है किसी का, 13 नंबर का आंसर आया भाई किसी का, पहाड़ों पर बर्फ की बात कर रहे हैं। इट बिकम्स वेरी हार्ड, इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन, क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी पार्ट, यानी कि क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आने जाने वाली ट्रेन की सीटी सुनता है, सीटी क्या होगी? हर बार एक ही तरह की सुनाई देती है, ऐसा होता है क्या भाई? हर बार एक ही तरह की सीटी सुनाई देती है? नहीं, हमें तो नहीं लगता है। कह रहे हैं कि ट्रेन आने पर उच्च तीव्रता की सुनाई देती है, ट्रेन आने पर उच्च पिच की सुनाई देती है, जब ट्रेन रवाना होती है तो उच्च पिच की सुनाई देती है। आपसे यहाँ पर दो चीजों का जिक्र किया गया है, एक इंटेंसिटी का किया गया है और एक पिच का किया गया है। किसका किसका किया गया है? इंटेंसिटी और पिच, दोनों के बीच में फर्क पता होना चाहिए। इंटेंसिटी की बात करें तो वो क्या होता है, वो ये बताता है कि कितना कम या ज्यादा सुनाई देगा, इसको डेसीबल में नापते हैं। किसमें नापते हैं? डेसीबल में। पिच की बात करें तो वो किस फ्रिक्वेंसी से सुनाई देगी, वो उसके बारे में बताते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी पार्ट, क्या? ट्रेन आने पर उच्च तीव्रता की सुनाई देती है। क्लियर है किसी को कोई डाउट? जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तब आप इसका परीक्षण कर लेंगे। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि रेलवे स्टेशन ही जाओ, क्रॉसिंग से निकलते हो तो वहां पर देख लेना आप। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। होलोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ, होलोग्राफी एक तकनीक है किसकी? एक स्थायी साफ दो आयामों काले और सफेद रंग की बहुकली तस्वीरों की रिकॉर्डिंग की, एक स्थायी तीन आयामी बहुरंगी तस्वीर की रिकॉर्डिंग की, एक स्थायी तीन आयामी काले और सफेद तस्वीरों की रिकॉर्डिंग की, दिए गए एकल रंग या एक बहुरंगी की स्थायी तीन आयामी तस्वीर। जो लोग बीड़ी पीते होंगे उनको पता होगा क्या, जब श्याम बंडल आप लोग लेते थे तो उसमें जो श्याम की वो फोटो बनी रहती थी उसको आप थोड़ा थोड़ा टिल्ट करते थे तो उसमें दो तीन लोग दिखाई देते थे आपको। हाँ, बीड़ी पीने वालों के लिए ये एग्जांपल है। जो लोग बाबा रामदेव के भक्त हैं उनके लिए एग्जाम्पल बताते हैं, कुछ भी उनका प्रोडक्ट लेंगे उसमें से एक होलोग्राम बना होता है, उसको हल्का सा टिल्ट करेंगे तो एक बार वो जो आचार्य जी हैं उनकी फोटो दिखती है, एक बार बाबा रामदेव की दिखती है और एक बार उनका त्रिशूल वाला फोटो दिखता है। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें तीन फोटो जो है बनाई जाती है अलग अलग जगह, और वो एक कलर से भी हो सकती है और मल्टी कलर से भी हो सकती है। तो जब उनको आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से देखते हो तो उसमें आपको तीनों इमेज दिखाई देती हैं। आप गांधी जी का फोटो देख लो नोट में, उसी कॉन्सेप्ट आधारित है। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी पार्ट, क्या हो जाएगा? डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं हमसे? 16 और 17 एक साथ लिखे हुए भाई, मजेदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक बर्फ ब्लॉक जिसमें शीशे का टुकड़ा होता है वह पानी में तैरता रहता है, यदि बर्फ पिघलती है तो जल का स्तर क्या होगा? बेस्ट एग्जांपल इसका हम देते हैं, अभी सारे के सारे लोग यूज कर चुके होंगे। ये क्या दिख रहा है भाई साहब? ये क्या दिख रहा है? ये आइस का क्यूब है। आइस का क्यूब अगर ग्लास में है तो समझ सकते हो क्या है। आइस का क्यूब अगर जो ग्लास में पड़ा हुआ है तो सिंपल सी बात है, हम लोग शरबत तो नहीं पी रहे होंगे। अच्छा, जब पैक बनाए जाते हैं तो उसमें जब आइस का क्यूब डाला जाता है तो अगर जो उसकी वजह से जल का स्तर बढ़ जाए, यानी कि ये जब पिघलेगा आइस का क्यूब, ये अगर जो पिघलेगा अब उसका अगर जो स्तर बढ़ जाए, यानी कि वो जो उसमें लिक्विड भरा हुआ है वो बढ़ जाएगा, तो यार ये ग्लास ओवरफ्लो तो नहीं हो जाएगा है? लेकिन नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या है? उस बर्फ का आयतन हमेशा ही क्या, बर्फ का आयतन हमेशा ही उसके लिक्विड स्टेट से ज्यादा होता है। यानी कि बर्फ का टुकड़ा लो और उतने ही बर्फ के टुकड़े को पिघला कर उतना आप पानी लो, तो दोनों में से देखोगे जो बर्फ आपका आयतन घेर रहा था उसका आयतन ज्यादा होगा और लिक्विड वाले का कम। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा भाई? समान तो नहीं रहता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखो, समान नहीं रहता, हमेशा क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लियर है? आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वाइन सॉप लीजिए और उसमें जो है तो थोड़ा सा। हाँ चलिए, अगला क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है क्या? प्रकाश के बराबर, प्रकाश की तुलना में कम, प्रकाश की तुलना में अधिक, ध्वनि के बराबर, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर इक्वल टू द डेट ऑफ लाइट, ऊष्मा विकिरण। निर्वात में कह रहे हैं ऊष्मा विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर ही होता है, हमेशा क्या होता है? प्रकाश के बराबर ही। जल्दी से पैक बनाओ और चेक करो, हमने बताया सही है कि गलत है, ठीक है? पैक में ही चेक करोगे और कहीं नहीं चेक कर सकते हो। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं सूर्य के कारण ऊर्जा लगातार बनती है क्योंकि परमाणु संलयन होता है, परमाणु विखंडन होता है रेडियो एक्टिविटी के कारण,
आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के कारण। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर जल्दी से। एक बार नाम ले लेते हैं, कुशाली तिवारी जी, दीपक कुमारी जी, सॉरी दीपक कुमार जी हैं, गीतांजलि श्रीवास्तव जी हैं, जयपाल हैं, आरके सिंह है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार, जल्दी से शेयर करो, पहले पहले शेयर करो, उसके बाद अगले क्वेश्चन आएंगे, फटाक से शेयर करो। शेयर करने में कंजूसी क्यों करते हो, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के क्या हो, परमाणु संलयन के कारण होता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं, वह पदार्थ है जो ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाह करता है। जब भी आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको यह नहीं बताना होता है कि सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन सा है या सबसे अच्छा विद्युत का कुचालक कौन सा, आपको उस ऑप्शन में जो जितने भी ऑप्शन दिए गए उसके कंपेरिजन में बताना होता है, यानी कि चार ऑप्शन में जो भी दिया गया है उसके कंपेरिजन में देखना है। डायमंड दिया गया, आयोडीन दिया गया, ग्रेफाइट दिया गया, सोडियम क्लोराइड दिया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट की बात करें तो क्या होता है, सबसे अच्छा विद्युत प्रवाह करता है, यानी कि बेस्ट कंडक्टर होता है ये। क्लियर है? हाँ, ये तो ठोस अवस्था में कुछ करता ही नहीं, सोडियम क्लोराइड की तो बात ही हटा दो। ऐसे आयोडीन अभी हमारा है, डायमंड के बारे में कह सकते हो, लेकिन ये भी नहीं करता है। क्लियर? बेस्ट हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। इसको जब आप वाटर में घोल दोगे या किसी भी लिक्विड में जब इसको मिक्स कर दोगे तो ये थोड़ा सा अच्छा सुचालक हो जाता है। चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20, 20 में क्या कह रहे हैं, स्थितियों का कौन सा एक ऐसा सेट है जो गैस को शुद्ध करने के लिए, नहीं लिक्विफाई यानी कि द्रवित करने के लिए सबसे आसान तरीका को दर्शाता है। बताओ भाई कौन सी ऐसी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बताइए आसान तरीके से। ये जितने भी तरीके दिए गए हैं सबसे आप कर सकते हो। जय महाकाल, हाँ ले आओ, लेकिन ये इसमें कुछ और लिखो आप, ठीक है? चलिए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऐसा होता है क्या? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, एक चीज ध्यान रखो, जब भी आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है एक चीज ध्यान रखो हमेशा, अगर जो आप प्रेशर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर आपका कम रिक्वायर्ड होगा। किसी भी की अगर जो स्टेट चेंज करना चाहते हो, आपको क्या करना है कि विच सेट ऑफ कंप्रेशन इजीएस्ट वे टू लिक्विफाइड ऑफ गैस, यानी कि गैस को आपको उसके द्रव में लाना है, किस में लाना है, द्रव के फॉर्म में लाना है, तो क्या करना होगा, आप उसका प्रेशर बढ़ा दो, इतना प्रेशर बढ़ा दो कि थोड़ा सा टेम्परेचर दे दोगे तो वो अपने आप लिक्विफाई हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा, कम तापमान और उच्च दबाव पर। क्लियर है? चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 फटाक फटाक से कह रहे हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू, लाइट का कलर किससे रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड से, क्वालिटी से, फ्रीक्वेंसी से, वेलोसिटी से। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से, पिछले वाले का सही आंसर था कम तापमान और उच्च दबाव, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 21। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आ जाएगा, 22 का सी, आप पहले 21 का दो खुशाली तिवारी जी, क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, यानी कि आयाम पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, आयाम पर डिपेंड करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, यानी कि एम्पलीट्यूड। कह रहे हैं ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक काम करने में कौन सा सिद्धांत बनता है, बर्नौली का नियम, फाइजुल का नियम, पास्कल का नियम और आर्किमिडीज का नियम, ये आपसे पूछ रहे हैं। हाइड्रोलिक के बारे में आप लोगों ने सुना है, बहुत ही अच्छी चीज है, जितने भी आपके बड़े बड़े मशीनरी काम कर रहे हैं वो सारे के, आपका क्रेन हो, कुछ भी है, आप देख रहे होंगे जो लोग कानपुर लखनऊ में मेट्रो बनने का काम देख रहे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये सारी की सारी हाइड्रोलिक पर ही काम कर रहे हैं। इसमें बहुत ही कम प्रेशर से आप बहुत ही भारी चीजों को उठा सकते हैं या बहुत ही ऐसे टफ काम कर सकते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है, पास्कल के नियम पे, किस पे डिपेंड करता है, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या होता है, P बराबर F अपान A, क्या होता है, P बराबर F अपान A। क्लियर है? चलो अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, एल्कोहल, शराब की बात आ गई भाई, नाम मतलब है ना, चलो शराब पीने का मजा ही कुछ और होता है, आ जाओ उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी हमने बताया कि आइस का क्यूब, अच्छा जब तक आप लोग आइस नहीं डालोगे तो शराब में उतना मजा नहीं आता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, आइस का एक पैकेट आता है उसको जरूर लीजिएगा, ठीक है? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है।
एल्कोहल दिया गया, ईथर दिया गया, मरकरी दिया गया, वाटर दिया गया। सही आंसर क्या है? सारे के सारे लोग जानते होंगे क्या है, मरकरी है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम बताते हैं क्या है, थर्मामीटर। थर्मामीटर आप लोगों ने देखा होगा। थर्मामीटर में हम लोग मरकरी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो क्या होता है, सबसे अच्छा सुचालक होता है हीट का। पता चला टेम्परेचर हमारा 105 डिग्री हो गया, आदमी निपट गया, लेकिन उसमें हमने क्या कर दिया, ऐसा मटेरियल भरा हुआ है, कुछ भी भर दिया ऐसा कि जिसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। अब हमें पता ही नहीं कि इस आदमी को बुखार है कि नहीं, उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है लेकिन वो थर्मामीटर बता ही नहीं रहा है। तो मरकरी क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, वो तुरंत थोड़ा सा अगर जो इंक्रीज होता है तो तुरंत वो अपना क्या कर लेता है, इसमें भी कैपिलरी इफेक्ट होता है, सेम कैपिलरी इफेक्ट होता है थर्मामीटर में। जैसे ही आप देखोगे यहां पर एक जो लगा होता है, मेटल लगा होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये तुरंत ऊपर उठ जाता है। अब एक दूसरी कंडीशन और भी होती है क्यों हम थर्मामीटर में मरकरी यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो ग्लास के साथ एडिसिव फोर्स होता है ना, सपोज करो इसमें आप पानी जो भरते हो तो इसका और इसका एडिसिव फोर्स लगभग इक्वल होता है, एडिसिव और कोसिव फोर्स देखते हो कि एक सेम लेवल पे रहते हैं। जबकि मरकरी का क्या होता है, कांच के साथ ये बिल्कुल ही नहीं चपकता है, क्या बिल्कुल ही कांच के साथ लगेगा ही नहीं, यानी कि अगर जो उसका टेम्परेचर बढ़ा है तो ये सीधे यहां से उठेगा और अगर जो 98 पर है तो 98 पर पहुंच जाएगा। क्लियर है, उसको साइड में से कोई मतलब नहीं। पता चला टेम्परेचर उसका 98 था, आधा मटेरियल हमारा यहीं पर लग गया तो वो ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, तो टेम्परेचर था उसका 98, हमें दिखा रहा है 95। क्लियर, चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, कह रहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से क्या देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिन लोगों ने ट्वेल्थ करी होगी, हाँ क्या जिन लोगों ने ट्वेल्थ करी होगी उन्हें अच्छे से पता होगा कि केमिस्ट्री की लैब जो हुआ करती थी वहां पर केवल एक ही चीज हमें दिखाई जाती थी, क्या, माइक्रोस्कोप, है ना। चलो हाँ पहले शराब ही पी लेते हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात है, हर जगह शराब की बात आ रही है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से क्या देखा जाता था, इलेक्ट्रॉनों और अन्य प्राथमिक कण, बैक्टीरिया और वायरस की संरचना, मानव पेट के अंदर, मानव आंख के अंदर। जो लोग थोड़ा सा गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगी एक चीज, अभी भी जो गांव में जो पैथोलॉजी है, अब तो बहुत कम हो गई है, गांव में जो अभी भी पैथोलॉजी यूज करते हैं तो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। आपका ब्लड सैंपल लेंगे और उसको नीचे रख देते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, क्या है इसमें, उसमें कुछ नहीं पता चलता है। पहले क्या होता था, वही एक साधन था तो उस लिए उसको यूज करते थे, लेकिन अब उसमें कुछ नहीं पता चलता है, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। क्या देखने के लिए यूज करते हैं, बैक्टीरिया और वायरस की संरचना को। आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री में जब लैब किया होगा ट्वेल्थ में तो क्या करते थे, आलू में हमें कलर लगवा के और सर हमें दिखाया करते थे, देखो इसमें कैसे बड़े बड़ा दिख रहा है, क्या क्या है इसके अंदर, है ना, आलू का चिप्स बनवा के। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सीज। हाँ, कह रहे हैं कि हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी का आकार है, सर्कुलर है, अंडाकार है, स्पाइरल है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगर जो वृत्ताकार ये है और अंडाकार मतलब क्या है, इलिप्टिकल ये हो गया और स्पाइरल का मतलब ये हो गया। आप लोगों ने देखा होगा जब चंद्रयान मूवी देखी होगी तो उसमें आपको ऑर्बिटल दिखाए गए थे ना, ऐसे 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 कि यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से हमने उसको लॉन्च किया था, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, ये कैसा शेप बन रहा है, स्पाइरल बन रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी पार्ट, यानी कि स्पाइरल है। आप लोग मूवी देखते हो और उसका सार थोड़ा सा याद कर लिया करो कि क्या था। चलो आ जाओ भाई 25 नंबर का सी पार्ट सही आंसर है, बी किसने दिया था, संगीता निषाद जी, बी नहीं होगा, सी पार्ट होगा, विवेक जी हैं, आरके सिंह जी हैं। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो और शेयर करते रहो, लाइक करना तो मत भूलना। चलो अगले में क्या कह रहे हैं, 26 नंबर, कह रहे हैं विभिन्न तारों में विभिन्न रंग के कारण होते हैं, विभिन्न तारों में विभिन्न रंग के कारण होते हैं, क्या होता है, टेम्परेचर, घनत्व, प्रेशर या उनमें से विकिरण। आप एक चीज समझ लो, प्रेशर की वजह से रंग तो कभी कुछ करता नहीं, डेंसिटी की वजह से तो रंग कुछ करता नहीं, रेडिएशन की वजह से भी रंग कुछ नहीं करता। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, तापमान। क्लियर है, चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है ऊनी कपड़ों को शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऊन एक बुरा कंडक्टर है, ऊन बाहरी वस्तुओं से उज्ज्वल ऊष्मा अवशोषित कर देता है, ऊन बाहरी वस्तुओं से ऊष्मा को अस्वीकार करता है।
ये बताओ, ऊष्मा की बात कर रहे हैं क्या? किसकी बात कर रहे हैं? ऊष्मा की बात कर रहे हैं। तो अगर जो हम लोग ऊन की बात करें या ऊन के कपड़े क्यों पहनते हैं, अगर जो ऊन की अगर जो बात करें तो उस वो सबसे बैड कंडक्टर होता है, यानी कि उसमें आप ऊष्मा डालोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वो सारी की सारी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है? चलो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। यदि एक साधारण पेंडुलम की लंबाई आधी हो जाती है तो इसके दोलन की अवधि हो जाएगी दोगुनी, आधी एक कारक द्वारा, एक किसी एक कारक द्वारा। आपको एक चीज पता होनी चाहिए क्या, एक चीज पता होनी चाहिए क्या? कह रहे हैं कि पेंडुलम की लंबाई आधी हो जाती तो इसके दोलन की अवधि, टाइम का फार्मूला पता है ना आप सभी लोगों को? मैसेज डिलीटेड? नहीं, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो जाएगा? बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा मेरे भाई, पहले पूरा वीडियो देखो उसके बाद मिलेगा। 28 का क्या हो जाएगा? कह रहे यदि किसी पेंडुलम की लंबाई क्या होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अंडर रूट एल, यानी कि एल के, किसके, लंबाई के। अगर जो इसके हम अवध की बात करें, ये अवध को रिप्रेजेंट करता है, ये लंबाई को। अब एक चीज बताओ, कह रहा है उसकी लंबाई को आधी कर दो, आप क्या करना है, लंबाई को आधी कर दोगे तो क्या बचेगा, ये एल बाई टू कर दिया, इसका मतलब क्या है, यहां पर 2√2 कर दोगे, क्या 2√2 एल, ये एक फैक्टर से। अब एक चीज ये बताओ, नीचे आपका 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज होगी। अरे यार ये बताओ, 5/2 और 5 में से कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ना, तो सिंपल सी बात है कि 5/2 का मतलब क्या है कि डिक्रीज होगी, उसकी आधी हो रही है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगी। क्लियर है? चलो 29 नंबर का आंसर बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहे हैं कि मिस्ट इज कार्ड भाई, अच्छा धुंध का कारण क्या है, सूखी बर्फ, कम तापमान पर बर्फ, कम तापमान पर जलवाष्प, ठोस रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? लाइक शेयर करना मत भूलना है ना, जल्दी से शेयर करो इसको, 500 क्वेश्चन करने हैं, 500 क्वेश्चन। कह रहे कि धुंध का कारण है क्या, वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर, कम तापमान पर जलवाष्प का बनना है, क्या, कम तापमान पर जलवाष्प का बनना। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहे हैं, जब बैरोमीटर के मान में अचानक कमी आती है तो ये उसके जलवायु को दर्शाता है। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर मौसम विभाग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अपने यहाँ का जो मौसम विभाग है वो ऐसा है कि जब तूफान हो जाता है, बारिश आ जाती है, तब उनको पता चलता है अच्छा आज तूफान आना है, आज बारिश आना है। क्लियर है? हाँ, तो कह रहे हैं कि बैरो, और ये पता कैसे चलता है, बैरोमीटर, बैरोमीटर किसको नापता है, वायु दाब को नापता है, किसको नापता है, वायु दाब को नापता है। कह रहे हैं कि जब बैरोमीटर के मान में अचानक कमी आ जाती है तो उस जलवायु को दर्शाता है, बहुत गर्म होगा, बेहद तूफानी होगा, ठंडा रहेगा, कम से कम 48 घंटे लगातार बारिश होगी, क्या होगा, बेहद तूफानी होगा। ये किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, अगर जो आप ये समझो कि यहाँ का बैरोमेट्रिक प्रेशर कम हो गया है, इसका मतलब, और उधर दूसरी जगह का हाई प्रेशर है, बैरोमेट्रिक प्रेशर हाई है, तो वहां से क्या होगा, हमेशा एक चीज बताओ, जहां प्रेशर ज्यादा है तो जहां प्रेशर कम होगा वो उसकी तरफ फ्लो करेगा, और फ्लो करने का मतलब है सीधे साधे क्या, स्ट्रॉम यानी कि तूफान आएगा। क्लियर है? चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 31। 31 का बी पार्ट सही कह रहे हैं भाई, देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, नोल एंड रुस्का के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, नोल एंड रुस्का के द्वारा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट सही था। 30 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं कि जब कमरे के एक हिस्से में खुशबू की बोतल खुली रखी रहती है तो कमरे के सभी हिस्सों में इसकी गंध महसूस होती है, इस घटना के कारण क्या होता है, स्ववाष्पीकरण, वाष्पीकरण, प्रसार या ऊर्ध्वपारक। एक चीज बताओ, अब परफ्यूम की बोतल दो दो कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब ये बताओ, परफ्यूम की बोतल है उसको आप रख दोगे तो ऐसा तो है ना कि उसको हमें ये कि कम टेम्परेचर या कम प्रेशर की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे वो भी रहती है और रूम टेम्परेचर पे ही आप रख रहे हैं उसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये दोनों चीजें तो आपकी फर्क ही नहीं डाल रही हैं, केवल और केवल क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन, क्योंकि ऊर्ध्वपातक तो होगा ही नहीं। क्लियर है? चलो, जब किसी भी उसकी कंडीशन में हम चेंज करते तब ये दोनों ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी होती। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं, साफ रातें ठंडी रातों की वजह से, उसमें क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन द क्लाउडी नाइट बिकॉज,
आपसे ये पूछ रहे हैं कि यानी कि जब साफ रात होती है तो जो बादल वाली रात होती है उसके कंपेरिजन में ज्यादा ठंडी होती, क्यों? कंडक्शन के कारण, कंडेंसेशन के कारण, रेडिएशन के कारण, इंसुलेशन के कारण, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 33, अरे विकिरण के कारण होता है क्या? विकिरण के कारण, सही आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण के कारण, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34, गैस थर्मामीटर एक तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि गैस एक तरल से हल्का है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक तरल से अधिक फैलता है, प्राप्त करना आसान है, अवस्था को आसानी से नहीं बदलता है। अगर जो बदलेगा नहीं तो फायदा क्या है? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या हो जाएगा? अरे कमेंट क्यों नहीं आ रहे भाई? क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी से आंसर कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 34, और शेयर करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं? गैस थर्मामीटर एक तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि एक गैस इज लाइटर देन लिक्विड, एक तरल से अधिक फैलता है, प्राप्त करना आसान होता है और अवस्था को आसानी से बदल सकता है। 34, 34 सही आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, एक तरल से अधिक फैल, तरल यानी कि लिक्विड की बात कर रहे हैं तो गैस वैसे भी ना उसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है। क्लियर है? कह रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, वृद्धि होती है, घट जाती है, एक समान रहती है, अचानक से गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, 34 का बी पार्ट होगा, 35 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्या होता है भाई? रिमेन्स अनलेटर्ड, क्लियर है? मतलब क्या है? चेंज नहीं होती है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 36, क्या क्वेश्चन नंबर 36 और 37 जल्दी से कमेंट करो। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक के द्वारा पहुंचती है, रिफ्लेक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा या कन्वेक्शन के द्वारा? सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक के द्वारा पहुंचती है, रिफ्लेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन? क्वेश्चन नंबर 36 सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? रेडिएशन के द्वारा। किसके द्वारा? रेडिएशन के द्वारा। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्य में किया जाता है? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है? हम लोग ऐसे टहल रहे हैं, ये गतिज ऊर्जा है, इसको कार्य में बदलने के लिए, लेकिन एक ही जगह टहल रहा है, इसका मतलब ये कार्य में कन्वर्ट नहीं हुई, टोटल विस्थापन हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। मतलब क्या है? ये कार्य में कन्वर्ट नहीं हुई। सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 37 का। कह रहे हैं कि दूरी तय करने के लिए साइकिल का पैडलिंग, नहीं आप तो वहीं रहते हो ना। कह रहे हैं कि ड्राइविंग ए कार टू कवर ए डिस्टेंस, हाँ पैडलिंग करना मतलब एक ही जगह आप रह रहे हो तो उसमें नहीं हुआ विस्थापन, आप अगर जो दूसरी जगह जाते तो उसमें विस्थापन होता। ड्राइविंग ए कार टू कवर ए डिस्टेंस, ये सही आंसर हो जाएगा। पवन चक्की में गेहूं के दाने, वो तो वहीं रहते हैं ना, झील में ना, इसके बारे में क्लियरली हमसे कुछ कहा नहीं गया तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहे हैं हमसे? कह रहे हैं यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt प्लस c द्वारा दर्शाया गया है तो कण के साथ घूम रहा है, किसके साथ? निरंतर गति के साथ, निरंतर त्वरण के साथ, निरंतर वेग के साथ या भिन्न त्वरण के साथ? क्वेश्चन नंबर 38 सही आंसर जल्दी से कमेंट करो भाई, 38 का कमेंट करो भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा? निरंतर त्वरण के साथ में, किसके साथ? निरंतर त्वरण के साथ में। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा पहले हुआ था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रस्ताव दिया था, मैक्स ब्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का, मुगलिनो का, मार्किलिनो ने पहला वायरल सिग्नल भेजा था, राइट ब्रदर्स ने सफलतापूर्वक एक विमान उड़ाया था? क्या हो जाएगा आंसर भाई? सी पार्ट, क्या हो जाएगा? सी पार्ट, ये कब हुआ था? 1895 में। कब? 1895 में। क्वेश्चन नंबर 40, 40 और 41 एक साथ देखो क्या कह रहे हैं। जब बस अचानक मोड़ लेती है तो उस पर खड़े यात्री को बाहर की ओर बल महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है? बाहर की ओर खिंचाव उस पर होता है, नहीं गति की जड़ता के कारण, संवेग में परिवर्तन के कारण या त्वरण में परिवर्तन के कारण? तो सिंपल सी बात है, किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ मूवमेंट, गति की जड़त्व के कारण, जड़ता नहीं जड़त्व होगा,
क्लियर, यानी कि इनर्सिया मोशन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं कि जब दबाव बढ़ जाता है तब बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, नहीं बदलता है, कम हो जाता है, यह बर्फ में मौजूद शुद्धियां निर्भर करती हैं। जब दबाव बढ़ जाता है तो बर्फ का गलनांक क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। हमने कहा है क्या, अगर जो प्रेशर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है उसका गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। क्लियर है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? डिक्रीज हो जाता है। अगला आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43। अंधेर तरंगे किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती हैं? वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्वेश्चन नंबर 42, 41 का सी पार्ट। हाँ, 42 का आंसर दीजिए भाई। अब देखो, किसी की भी बात करो को, अगर जो हम लोग ये बात करें जैसे साउंड की बात करें, तो वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो वो साउंड में क्या होता है, जब भी हम लोग कहीं बोल रहे होते हैं उसको प्रसार करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है, तो वैक्यूम में वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। क्लियर है, चलो अगले पे आ जाओ। कह रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का उपयोग प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हवा, शोर, पानी और थर्मल। किसके लिए किया जाता है भाई? एयर के, एयर प्रदूषण के लिए किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। अभी दिल्ली में देखो अभी से तैयारियां शुरू हो गई उनके शुद्धिकरण के लिए। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45। आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? वायुमंडलीय जलवाष्प के कारण, प्रकाश का बिखराव, समुद्री जला प्रवर्तन, सूर्य द्वारा नीले रंग तय दरों का उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 44 क्या हो जाएगा? प्रकाश के बिखराव के कारण। किसके कारण? प्रकाश के बिखराव के कारण। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? एक दीपक में तेल बत्ती पर ऊपर उठता है क्यों? तेल बहुत हल्का होता है, बाती के माध्यम से तेल के प्रसाव के कारण, प्रस्तनाव के घटने के कारण, या केशकाप के कारण। यार ये जो कैपलरी वाला क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखो। आप दीपक जलाते हो, दिवाली आने वाली है, तो उसमें जो आपका दीपक में जो तेल ऊपर चढ़ता है वो किसके कारण चढ़ता है? केशकाप, यानी कि कैपलरी इफेक्ट के कारण है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। कैपलरी ट्यूब किसी ने देखी है? किसी ने नहीं देखी होगी। कह रहे हैं कि लैम्बर्ट सिद्धांत से संबंधित है, रिफ्लेक्शन से, अपवर्तन से, इंटरफेरेंस से, इल्यूमिनेशन से। 46 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 लैम्बर्ट सिद्धांत से संबंधित है, रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब से, इंटरफेरेंस अपवर्तन से, इंटरफेरेंस इल्यूमिनेशन से। 46 का क्या आंसर हो जाएगा भाई? इल्यूमिनेशन से। किससे? रोशनी, यानी कि इल्यूमिनेशन से संबंधित है। 47 नंबर पे आ जाओ। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून, कानून नहीं नियम की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 में? निम्नलिखित में से कौन सा कानून इस कथन को मान्य करता है कि ना तो पदार्थ बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ले चार्टिलिए प्रिंसिपल्स, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, परासरण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल उसके स्टेज में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि एक स्टेज से उसको दूसरी स्टेज पे ले जाया जा सकता है, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगला ये क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी हमारा ला चार्टिलिए प्रिंसिपल कहलाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? द्रव्यमान यानी कि पदार्थ की बात कर रहे हैं, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। क्लियर है। लॉ ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण का नियम, परासरण का, ऑस्मोसिस के बारे में सारे के सारे लोग जानते हैं क्या होता है। आप लोगों के घर में आरओ लगा होगा, सभी लोगों के घर में, उसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस सिस्टम ही वर्ष का काम करता है। लेकिन वो कौन सा वाला होता है? आरओ का मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। कौन सा वाला? रिवर्स ऑस्मोसिस काम करता है ना। इसमें होता क्या है कि जो लोअर कंसंट्रेशन होती है जहां पर, तो हायर कंसंट्रेशन मटेरियल क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करने लगता है। इसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर है। लेकिन ये अब हमारे यहाँ जो औरों लोगे होते हैं उसमें से उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं, जैसे मतलब हायर कंसंट्रेशन वाले की तरफ फ्लो कराते हैं किसको, लोअर कंसंट्रेशन वाले की तरफ, इसीलिए तो पानी हमारा शुद्ध हो जाता है। क्लियर है, चलिए। और ये केवल और केवल किससे होता है,
ये हमारा प्रेशर से कराया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48। कह रहे हैं इसोनेफ उन रेखाओं को प्रदर्शित करता है जिनमें समान होता है क्लाउडीनेस, सैलिनिटी, रेनफॉल, प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताओ भाई, किसके कारण होता है? शेयर नहीं करो और दीपक कुमार जी जल्दी से आंसर कमेंट करो और सही वाला कमेंट करो, क्लियर है? कह रहे हैं कि स्नो, हाँ स्नो उन रेखाओं को प्रदर्शित करता है जिनमें समान होता है क्या? 48 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्लाउडीनेस के कारण होता है, ए पार्ट सही होगा। नहीं 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 रेनफॉल के कारण नहीं, क्लाउडीनेस के कारण होता है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहे हैं हमसे? कह रहे हैं रेडियो तरंगों को प्रतिबंधित करने के लिए वायुमंडलीय परत को कहा जाता है ओजोन स्पेयर, लोनोस्पेयर, स्टार स्पोर्स, मेसोस्पेयर। क्या कहा जाता है भाई? 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या हो जाएगा? आइनोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइनोस्फीयर, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो कि संबंधित है उच्च तापमान से, कम तापमान से, घर्षण और धारण से, क्रिस्टल की वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 पहले 49 का बी पार्ट सही है, क्वेश्चन नंबर 50 का बताइए। बी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए दीपक कुमार जी। 50 का बी सही आंसर है। अच्छा दीपक जी को एक बार अमर कर देते हैं क्या? दीपक जी काफी क्वेश्चन इन्होंने सही बताए हैं, अब आपको एक काम करना है, शेयर करना है इसको, क्लियर है? चलो आ जाओ भाई, 50 क्वेश्चन हो गए हैं, कितने किसके सही हुए हैं जल्दी से कमेंट करो, कितने किसके सही हुए हैं जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कितने किसके सही हुए हैं? 51 नंबर पे आ जाओ, 50 के 50 सही हुए हैं, चलो अच्छी बात है। कह रहे हैं कि ऊर्जा और द्रव्यमान का संबंध एक परिणाम है क्वांटम सिद्धांत से, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, किससे संबंधित है भाई? किसी का आया 51 नंबर का, ऊर्जा और द्रव्यमान का संबंध का परिणाम। बहुत सही विवेक जी, यहां आप अगर जो रिजल्ट गलत बताते हो तो आपका फाइनल एग्जाम में रिजल्ट गलत होगा, तो जो भी है ईमानदारी से बताना कि कितने सही हुए हैं, ठीक है? आपने अटेम्प्ट नहीं किए वो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन गलत कितने हुए ये आपको पता होना चाहिए और उनको जरूर देखो कि क्यों गलत हुआ है हमारा, ठीक है? चलो आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ऊर्जा और द्रव्यमान का संबंध है किससे? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। किससे संबंधित है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, क्लियर? सही आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53। कह रहे हैं खतरे के संकेत आमतौर पर लाल बत्ती के रूप में होते हैं क्योंकि इस समय चेकिंग बहुत चल रही है। क्या चेकिंग बहुत चल रही है? आपके पास डीएल होने चाहिए, गाड़ी के सारे कागज होने चाहिए, हाँ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी चाहिए, नहीं उसका भी फाइन लग रहा है। चेकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि इन लोगों को टारगेट दिया जाता है कि भाई आपको इतना करना है, इतना करना है। साल का एंड हो रहा है, दिवाली है, लोग ज्यादा घर से निकल रहे हैं, तो इनकी जेब ढीली करवाओ, सरकार का फंड बन जाएगा, है ना? आप हेलमेट नहीं लगाओगे तुरंत चालान होता है, मास्क नहीं लगाओगे तुरंत चालान होगा, लेकिन सामने जो आपके पुलिस अंकल खड़े होंगे तो वो साहब क्या करते हैं, ना तो उनके सर में टोपी होगी, ना तो मास्क होगा, कुछ भी नहीं होगा, उनकी फुल वर्दी भी नहीं होगी, लेकिन आपके मास्क ना लगाने पर वो आपको चालान कर देंगे। अच्छी बात है, ठीक है, कोविड से आप प्रिकॉशंस लो, लेकिन आप अगर जो कार में जा रहे हो और अकेले बैठे हो तो उसमें मुझे नहीं लगता मास्क की जरूरत है, जब आप बाहर आ रहे हो तो आपको मास्क की जरूरत है, क्लियर? चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहे हैं? खतरे के संकेत आमतौर पर लाल बत्ती के रूप में होते हैं क्यों? कम से कम उज्ज्वलित होते हैं, कम से कम विचलन से गुजरते हैं, सबसे कम वेग होता है, आंख को आराम देते हैं। ये तो होता ही नहीं है, अगर जो आंख को आराम देते तो इसको लगाते ही नहीं, क्यों? आदमी तो सुस्त हो जाता ना। सबसे कम वेग होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, कम से कम विचलन से गुजरते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये लीस्ट ब्राइट का मतलब क्या हो जाएगा? चमकता ही नहीं। जबकि हम क्या चाहते हैं, आपने देखा होगा कि रेलवे पे जो सिग्नल यूज किए जाते हैं या आपके ट्रैफिक लाइट पे जो सिग्नल यूज किए जाते हैं उसमें 3 कलर यूज किए जाते हैं, एक ऑरेंज होता है,
सॉरी, एक ग्रीन होता है, एक आपका येलो होता है और एक रेड होता है, क्लियर है ना। अब देखो ये कैसे होता है, एक आप लोगों ने विब ग्योर का नाम सुना होगा, विब ग्योर का नाम सुना है, रेड की जो तरंग दैर्ध होती है, क्लियर है ना, वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि ये आपको सबसे ज्यादा जल्दी दिखेगा कितनी भी दूर हो, है ना। कितनी भी दूर का मतलब ऐसा नहीं कि आपके उससे बाहर है, क्षेत्र से बाहर है, फिर भी आपको दिख जाएगा, क्लियर है ना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है, क्या, तरंग देर बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड की होती है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहे हैं, ए सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट, क्या होता है, ए शॉर्ट फोकस कन्वेक्स लेंस, ए लॉन्ग फोकस कन्वेक्स लेंस, ए शॉर्ट फोकस कनकेव लेंस, ए लॉन्ग फोकस कनकेव लेंस, क्या होता है भाई। साधारण सूक्ष्मदर्शी में होता है, साधारण सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है। गीतांजलि जी ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 53। 53 का क्या हो जाएगा, एक ए पार्ट, क्या हो जाएगा, ए पार्ट, ए लघु फोकस उत्तल लेंस, क्या, ए लघु फोकस उत्तल लेंस। उत्तल अवतल सारे के सारे लोग जानते हो ना, ये उत्तल हो गया, ये अवतल हो गया, और सिलेंड्रिकल में थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें एक इसका होता है उत्तल वाले का और एक अवतल वाले का होता है, क्लियर है ना। आप लोगों ने देखा होगा, आपको अगर जो कोई बीमारी नहीं, केवल और केवल ये है कि पास का नहीं दिखता या दूर का नहीं दिखता है, तो आपको ये दोनों लेंस यूज किए जाएंगे, लेकिन कोई बीमारी है तो उसके उसकी जगह फिर आपको सिलेंड्रिकल यूज किए जाते हैं, यानी कि आपका पावर लगातार घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसकी जगह सिलेंड्रिकल लेंस यूज किए जाते हैं, क्लियर है। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए पार्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55। एक तेल की बूंद पानी के ऊपर फैलती है, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है, तेल अधिक चिपचिपा होता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तेल पानी के साथ नहीं मिलता है, ये तो सही है कि तेल पानी के साथ मिलता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ ऊपर फैलती क्यों है, फैलने का ये रीजन नहीं हो सकता है। हाँ ये बात अलग है कि वो नहीं मिलती है, क्लियर है। कह रहे हैं तेल की सतह का तनाव पानी की तुलना में बहुत कम होता है, फिर से वही किसकी बात हो गई, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक ऐसी चीज है जिनका ये सिद्धांत था कि दुनिया में सारी की सारी चीजें स्टेडी स्टेट पे रहना चाहती हैं और वो उसके लिए भरसक प्रयास करते हैं, कुछ भी करना पड़ जाए, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 54 का डी पार्ट, यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन होता क्या है, 2T अपान आर होता है, अगर जो बबल की बात करोगे तो क्या हो जाता है, 4T अपान आर होता है। ये 4T अपान आर क्या होता है, बबल में क्या होता है, अंदर से भी लगता है और बाहर से भी लगता है, 2T अपान आर ये हो जाता है और 2T अपान आर ये हो जाता है, तब क्या हो जाता है, 4T अपान आर होता है, क्लियर है। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 56, शेयर करते रहो। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहे हैं, जब घर का मुख्य स्विच बंद कर दिया जाता है तो ये डिस्कनेक्ट करता है केवल लाइव वायर को, लाइव वायर और अर्थ वायर को, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को, अर्थिंग और न्यूट्रल तार को। एक चीज ध्यान रखो, अर्थिंग होता है वो कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखो, क्या, जो क्वेश्चन नंबर 56, अर्थिंग होता है वो कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता है, अर्थिंग हमारी कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती है। आपके लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जब जब आप उसका MCV गिरा देते हो, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, क्या हो जाएगा, सी पार्ट। न्यूट्रल वाला जो होता है और लाइव वाला, आपका जो अर्थिंग वाला होगा, तीन होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग वाला, इससे कोई मतलब ही नहीं, एक बार कनेक्ट कर दिया कनेक्ट हो गया। अगर हाँ मतलब ही नहीं का ये मतलब नहीं है, अगर जो आप इसको लगाओगे नहीं तो करंट बहुत अच्छा मारता है, क्लियर है। चलो सबसे अच्छा करंट कौन मारता है, लाइव वाला, हाँ चेक कर लेना कभी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे हैं कि वायुमंडलीय दबाव का अचानक गिरना इंगित करता है किसको। अरे अभी बताया, अगर जो बैरोमेट्रिक ने ये बता दिया, ये बात अलग है कि भारत का मौसम विभाग ये बताता है कि कल तूफान आया था तो वो आज बताएंगे कि हाँ कल तूफान आया था। बैरोमेट्रिक का अगर जो प्रेशर अचानक से डाउन हो जाता है, इसका मतलब क्या है, तूफान के आने की संभावना है। किसके आने की संभावना है, तूफान के आने की संभावना है, क्लियर है। अगला क्या है, सामग्रियों में चुंबकत्व के कारण होता है, सामग्रियों में चुंबकत्व के कारण होता है, स्थिर इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की परिपत्र गति, स्थिर प्रोटॉन, सभी न्यूट्रॉन की स्थिरता के कारण। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताओ भाई।
क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट करो क्या हो जाएगा। सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, किसके कारण? सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। कह रहे हैं कि मानव आंख में अल्प दृष्टि को उचित करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसको? कन्वेक्स लेंस को, अवतल लेंस को, बेलनाकार लेंस, डिफोकसी लेंस को, किसको यूज किया जाता है? अल्प दृष्टि। अल्प दृष्टि के मतलब क्या है? पास वाले। यू क्लियर है? किसका मतलब? पास वाले, यानी कि पास वाली दृष्टि दोष है हमें। क्लियर? अच्छा, इसके बारे में एक चीज जानते हो ना, दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? कि हमें दूर का अच्छा दिखता है, पास का नहीं दिखता है। और पास यानी कि जो निकट दृष्टि दोष का मतलब है, हमें निकट का दिखता है और दूर का नहीं। क्लियर है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 59 का बी पार्ट, कैनकेव लेंस। क्या? कैनकेव लेंस। अभी हमने बताया ये वाला लेंस कौन सा होता है? कैनकेव, और ये वाला कन्वेक्स होता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 60 कह रहे हैं, विभिन्न रंगों में सफेद प्रकाश को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लास स्लैब का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, या प्रिज्म का? सफेद प्रकाश को विभाजित करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 60 का यार बहुत आसान है। आप जब भी प्रकाश, एक चीज बताओ, आपको अलग अलग कलर करना है या जो भी करना है, ये सारी चीजें लाइट में आप करते हो, तो कुछ लोगों ने फिजिक्स लैब में देखा होगा 12th में, तो प्रिज्म होता था, उसमें हमें लाइट डाल के दिखाई जाती थी कि भाई देखो कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो केवल और केवल किससे होता था? प्रिज्म के द्वारा। यानी कि सफेद को हमें अलग करना है, तो वो ये जो बनता था ना, अरे भाई हमने यहाँ से लाइट डाली है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुई, ये अलग अलग विबग्योर जो अभी हमने दिखाया था ना, ये यहीं से निकलता है। क्लियर है? ये जो अलग अलग लाइट निकल रही होंगी, ये यहीं से आ रही होंगी। क्लियर? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61 में। 61 क्या कह रहे हैं? बिजली के उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने परमाणु रिएक्टर पर आधारित है, परमाणु विखंडन पर, परमाणु संलयन पर, कोल्ड फ्यूजन पर, अतिचालकता पर। किस पे? अतिचालकता पर। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर बताओ भाई क्या हो जाएगा? 60 का डी पार्ट, ठीक है, इसका बताओ भाई 61 का, किसी का आया 61? परमाणु संलयन पर, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर डिपेंडेंट होता है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि ए फाउंटेन पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फाउंटेन पेन किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? उच्च से निम्न क्षमता का तरल पदार्थ का प्रवाह, कोशिका क्रिया, बर्नौली सिद्धांत, या तरल पदार्थों की सान्यता पर? क्वेश्चन नंबर 62। जो फाउंटेन पेन होता है वो भी हमारा कैपिलरी ट्यूब पर डिपेंडेंट होता है। किस पे? कैपिलरी ट्यूब के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। क्लियर है? चलो आ जाओ। कह रहे हैं पाइकोनोमीटर एक उदाहरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसको नापने के लिए? घनत्व को, सौर विकिरण की तीव्रता को, भूकंप की तीव्रता को, उच्च तापमान को, किसको नापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 63 कुछ जल्दी से करो यार, अभी अभी ये समझो कि 450 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? डेंसिटी नापने के लिए किया जाता है। किसको नापने के लिए? डेंसिटी नापने के लिए किया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 64 एंड 65 फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर काम करता है। स्कैटरिंग ऑफ ला, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, टोटल इंटरनल एब्जॉर्प्शन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ऑप्टिकल रोटेशन पर, किस पे काम करता है भाई? क्वेश्चन नंबर 64 क्या हो जाएगा भाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। दीपक कुमार, सारे के सारे सही होने चाहिए क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ डॉली तिवारी जी, आपके भी सारे सही होने चाहिए। आर के सिंह, TIR सही है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 ध्यान से देखो, कह रहे हैं कि ए डेसिबल इजे है एक संगीत वाद्यन, स्वर की तरंग दैर्ध्य, एक संगीत नोट, या ध्वनि स्तर का माप। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी हमने बताया था ना डीबी से जो रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी और कैपिटल बी, तो ध्वनि के स्तर का मापने के लिए, अभी रेल वाला जो क्वेश्चन कराया था तब यही तो बताया था। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहे हैं रिमोट सेंसिंग डिवाइस एक आंतरिक सोर्स है, एक्सरे का, जीरे का, पराबैंगनी विकिरण का, या इंफ्रारेड का, किसका है भाई? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताओ भाई।
क्या हो जाएगा भाई? हाँ, इंफ्रारेड रेज का होता है। किसका होता है? इंफ्रारेड रेज का। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज शुड बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एस्टिगमेटिज्म। क्लियर है? हाँ, क्या हो जाएगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन जो भी आपने कमेंट कर दिया कोई बात नहीं, उसको डिलीट करने के बजाय आप जो नया आंसर है वो कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट जरूर करो। इससे ये पता चलता है कि हाँ हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? बेलनाकार लेंस यूज किया जाता है। कौन सा लेंस यूज किया जाता है? बेलनाकार। क्लियर? 68 कह रहा है एक लेजर, नियॉन लेजर में क्या होता है? सभी परमाणु की प्रकाश तरंग दैर्ध्य उत्सर्जन करते हैं। ब्लैंक है, एक ही आवृत्ति के समान आयाम के, ऑल ऑफ दी अबव या समान चरण के। क्वेश्चन नंबर 68। एक चीज बताओ, एक लेजर जो बीम होती है, आप एक चीज ध्यान रखो, जो एक्सरे से भी ज्यादा टफ होती है हमारी लेजर बीम। जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं जब बनाए जाते हैं, तो अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो कुछ भी चीज़ें नीचे की अगर जो देखनी होती तो लेजर बीम से ही होता है। बड़ी बड़ी दीवारों को तोड़ना होता है तो वो सारी की सारी चीज़ें लेजर बीम के जरिए ही की जाती हैं। तो क्या होता है उसमें, होता क्या है, उसकी खासियत क्या है? उसकी आवृत्ति सेम होती है, यानी कि सेम फ्रिक्वेंसी होती है, सेम फेज होता है और सेम एम्पलीट्यूड होता है, इसीलिए वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिक ताप क्षमता प्राप्त की है, लोहे का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा, पानी या बेंजीन की। यार ये हीट कैपेसिटी होती क्या है? आप लोगों ने एमसी डेल्टा टी सुना होगा। क्या होता है? क्यू बराबर एमसी डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी मटेरियल है आपका, नो मैटर क्या है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम का, क्या 1 किलोग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी आपको हीट देनी पड़ रही है उसको क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। सबसे कम किसका होगा भाई? सबसे कम किसका होगा? लोहे के टुकड़े का, वाटर का, बेंजीन का या सोने के टुकड़े का, आयरन के पीस का? किसका होगा? आयरन के पीस का। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 70 पे। सेवेंटी पे आता कह रहा है यदि किसी स्थान का तापमान अचानक बढ़ जाता है, अरे इसका बी पार्ट होगा, सॉरी इसका बी पार्ट होगा वाटर का। हाँ, वाटर का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए सबसे कम जरूरत पड़ेगी। 70 में क्या कह रहा है? यदि किसी स्थान का तापमान अचानक बढ़ जाता है तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी? वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, स्थिर रहेगी या उतार चढ़ाव होता रहेगा? क्वेश्चन नंबर 70। अभी अभी कल जो जिन लोगों का एग्जाम है उसके लिए भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले 100 फिजिक्स के हो जाएंगे, फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी के चलेंगे। कल जिनका जिनका भी एग्जाम है उनको ये क्लास मस्ट है ना? क्वेश्चन नंबर 70। सही आंसर क्या हो जाएगा 70 नंबर का? बी पार्ट, यानी कि घट जाती है। क्या? घट जाती है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 71 एंड 72। रेडियो प्रसारण के संबंध में एएम का पूर्ण रूप क्या है? एम्पलीट्यूड मूवमेंट, एनीवेयर मूवमेंट, एम्पलीट्यूड मैचिंग, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या है भाई रेडियो प्रसारण के संबंध में एएम का? 71 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये जो चीजें लिखी हैं इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। मैचिंग और मूवमेंट की तो कोई बात ही नहीं होती है ऐसे इंप्लीमेंट। और हाँ, अगर जो यहां पर देखो, यहां पर अगर जो हमारा एम्पलीट्यूड होता तो ये वाला सही हो जाता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आयाम आंदोलन, यानी कि एम्पलीट्यूड आंदोलन नहीं यार, ये मूवमेंट का मतलब दूसरा है, यानी कि जाने आने का। जब भी आप लोगों ने जो रेडियो वगैरह सुनते हो तो उसमें वो इसी के माध्यम से आता है हमारा। ठीक है, चलो। कह रहा है एक घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा या केमिकल ऊर्जा। कौन सी होती है घड़ी के स्प्रिंग में? घड़ी के स्प्रिंग में क्या होती है? काइनेटिक ऊर्जा होती है, पोटेंशियल ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है या हीट एनर्जी होती है? 72 क्वेश्चन नंबर 72 पोटेंशियल एनर्जी होती भाई।
71 का ए पार्ट ठीक है, 72 का आंसर कमेंट करिए भाई। काइनेटिक ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? काइनेटिक ऊर्जा होती है। 72 का सही क्या हो जाएगा? काइनेटिक ऊर्जा। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73 एंड 74। कह रहा है कि एक कक्षा में, एक आंतरिक यान में भारहीनता की अनुभूति किसके कारण होती है? बाहर गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, कक्षा में त्वरण जो बाह्य गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर है, अंतरिक्ष यान के बराबर गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति लेकिन अंदर नहीं, इस तथ्य के कारण कि कक्षा में आंतरिक अंतरिक्ष यान में कोई ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में देखो क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करो भाई। क्या हो जाएगा? बाहर गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति, ये तो हो ही नहीं सकता है। कह रहा कि कक्षा में त्वरण को बाह्य गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर। हाँ ये वाला सही लग रहा है, आगे भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? अंतरिक्ष यान के बराबर गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति के लेकर अंदर नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर इस तथ्य के कारण कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में कोई ऊर्जा नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलो आ जाओ। कह रहे हैं कि थर्म इज द यूनिट ऑफ पावर, हीट, डिस्टेंस या लाइट। थर्म की बात करो तो ये समझ लो कि थर्मल से है तो किसकी एनर्जी के रूप में होगा? हीट यानी कि गर्मी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अरे आप जानते हो ना थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एनर्जी, ये सारी चीजें, तो थर्म का मतलब किससे रिलेटेड होगा? हीट से। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या कह रहा है? पानी एक तालाब कम गहरा दिखाई देता है क्योंकि रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्रेक्शन। अच्छा आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट पता है ना, डेंस और रेयर वाला, कि मतलब जब भी हम लोग डेंस मीडियम में देखते हैं तो उसकी हाइट कम दिखाई देती है। क्या? उसकी हाइट कम दिखाई देती है, और रेयर मीडियम पे देखते हैं तो उसकी हाइट ज्यादा दिखाई देती है। क्लियर है ना? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके कारण हो जाएगा? रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब के कारण, डिफ्रेक्शन विवर्तन के कारण, या रिफ्रेक्शन अपवर्तन के कारण, या पोलराइजेशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 75 क्या हो जाएगा भाई? डिफ्रेक्शन यानी कि विवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? विवर्तन के कारण। कह रहा है मनुष्य को ज्ञात सबसे पुरानी ऊर्जा कौन सी है? पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, सोलर पावर, जियो थर्मल। भूपाती ऊर्जा कौन सी है? भूपाती ऊर्जा। ये क्या होता था पुराने समय में? पहले जो तो लावा निकलते थे, जो ज्वालामुखी होता था पहले भी फूटता था, तो ये वही वाली एनर्जी है। तो सबसे पहले अपने पास यही ऊर्जा हुआ करती थी। क्लियर है? हाँ। जब जैसे हम लोग जब पेट्रोलियम की खोज करते हैं, जो लोग केमिकल से थोड़ा सा जानकारी रखते होंगे, तो वो उसमें यही होता था कि जो भी एनर्जी है पहले उसका सोर्स निकाला जाता था। ऐसा तो नहीं हम यहाँ पेट्रोलियम की खोज करने आए थे, पता चला वहाँ ज्वालामुखी का नीचे पड़ा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपीपीसीएस का एग्जाम है कल। चलो आ जाओ। अगला कह रहा है कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को कहा जाता है? प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, या संभावित ऊर्जा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, या संभव पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? नहीं, कोयले के व्यावसायिक रूप से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, कह रहे कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को कहा जाता है। सी पार्ट, तापी ऊर्जा, पोटेंशियल ऊर्जा होगी भाई। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें। क्लियर है? चलो सारे के सारे लोगों का गलत है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 78 में क्या कह रहे हैं? हम हमेशा चंद्रमा एक ही चेहरा देखते हैं क्योंकि इट इज स्मॉलर देन द अर्थ। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है। यह पृथ्वी के चारों ओर अपनी धुरी पर घूमने के एक समान लेता है। फिर यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के समान गति से घूमता है। क्वेश्चन नंबर 78, सही आंसर बताओ भाई क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 78, जब ये चक्कर लगाते हैं ना, जब भी ये घूमते हैं तो इनका एक टाइम फिक्स है कि उसी टाइम पर वो रिपीट होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 79, 79 क्या कह रहे हैं? पहाड़ी इलाकों में पानी की पाइप अक्सर ठंडी रातों में फट जाती है क्योंकि। अभी हमने बताया था पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, पानी की पाइप अक्सर फट जाती है। उसका रीजन ये होता है
हाँ होता ही है भाई, पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, अभी हमने बताया था ना जब वो जो दारू की बात कर रहे थे कि बहुत जरूरी है, क्या जरूरी होता है कि पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जो बर्फ का आयतन होता है तो वो हमेशा पानी के आयतन से बड़ा होता है, यानी कि ज्यादा होता है। अब उसमें मेन बात क्या हो गई, अब उसमें पाइप में पानी भरा हुआ है, क्या पाइप में पानी भरा हुआ है, तो सिंपल सी बात है उसका आयतन क्या होगा, एक्सपेंड होगा, तो पाइप क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जिस सामग्री से पाइप बना होता है वह ठंड के कारण सिकुड़ जाती है और फट जाती है? नहीं भाई, पाइप में पानी जम जाता है और जमने पर फैलता है जिससे पाइप टूट जाते हैं, ये सही होगा। ठंड पाइपों की जंग लगा देता है जिसके कारण वह टूट जाता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। अभी हमने कहा है सारे के सारे लोग क्या करेंगे, एक कांच वाले ग्लास में दो तीन आइस के क्यूब डालेंगे और दो तीन पैक बनाएंगे, फिर देखेंगे क्या होगा, पानी का आयतन बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। क्लियर है? चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 80 नंबर, कह रहे हैं कि एक पैराशूट धीरे धीरे उतरता है जबकि उसी ऊंचाई से गिरा हुआ एक पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि पत्थर पैराशूट से भारी होता है, पैराशूट में विशेष तंत्र मौजूद हैं, एक पैराशूट का सतह क्षेत्र बड़ा होता है और वायु प्रतिरोध अधिक रहता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, जल्दी से आंसर कमेंट करो भाई। पैराशूट में क्या होता है, हाँ कई बार अगर जो आप खोलना भूल जाओगे तो जिंदगी फिर आपको खोल देती है। चलिए 80 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एक स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म यूज होती है, क्या स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म यूज होती है। क्लियर है? चलो आ जाओ 81 नंबर, कारों के हैंडलूप में प्रयुक्त होने वाले दर्पण का प्रकार होता है कौन सा है, परवलयिक, समतल, गोलाकार, बेलनाकार, कौन सा वाला होता है भाई, जल्दी से आंसर कमेंट करो। स्पेरिकल कन्वेक्स, आप लोगों ने एक चीज ध्यान से देखा होगा, जब भी आप लोग बाइक या कार में देखते हैं उसमें लिखा रहता है, एक लाइन बड़ी बड़ी लिखी रहती है, क्या, ऑब्जेक्ट आर क्लोजर देन दे अपीयर्स, यानी कि वो जो आपको दिख रहा है उसमें वो आपके पास में है जितना कि वो आपसे दूर दिख रहा है। क्लियर? आप देखोगे मिरर से आपको गाड़ी दूर दिखती है लेकिन एक्चुअल में वो आपके पास होती है, तो उसमें लिख दिया जाता है ऑब्जेक्ट आर क्लोजर देन अपीयर्स। क्लियर है? चलो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्पेरिकल कन्वेक्स के कारण होता है। आप ये देख लो, जब भी देखते होगे कोई भी मिरर है तो वो थोड़ा सा कर्व शेप में बना होता है, ये समझो कि ये आपका मिरर है, ये इस टाइप से बैक में थोड़ा सा कर्व बना होता है, वो उसी के कारण होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 82, और हाँ पहले 82 देखो, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लचकदार होता है, लचकदार मतलब क्या है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक समझ रहे हो, इलास्टिसिटी का ग्राफ पता है ना, एक समय के बाद में इलास्टिसिटी के जो चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और वो वहां से टूटना स्टार्ट कर देता है, रबर, स्टील, वाटर क्ले, वेट क्ले यानी गीली मिट्टी या प्लास्टिक, सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, सबसे अधिक लचकदार क्या होता है, स्टील, क्या होता है, स्टील। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 83, कह रहे हैं कि जब उज्जवल सूर्य के प्रकाश में चलने वाले व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो वह थोड़ी देर के लिए स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं होता है, क्यों, आंख की मांसपेशियां आंख के लेंस की लोकल लंबाई को तुरंत समायोजित नहीं कर पाती हैं, दूसरा क्या है, रेटिना कुछ समय के लिए चमकदार छवियों को बनाए रखता है और पल पल में असंकेत करता है, आयरिसिस पुतली को तुरंत अनुबंधित करने में असमर्थ होता है, आयरिसिस पुतली को तुरंत पतला नहीं कर पाता है, बताइए भाई। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब बाहर से आप जाते हो, बाहर से आप घर पे जाते हो, कमरे पे गए, कमरे पे अंधेरा होगा तो आपको बहुत ज्यादा आंखों पे दर्द होता है, ऐसा क्यों होता है, जब बाहर होते हैं तो इतनी ज्यादा लाइट होती है तो हमारी जो पुतली होती है, रेटिना होती है, वो फैल जाती है, और अंदर जाते हैं जब अंधेरा होगा तो वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, तो वो उसी के कारण होता है। क्लियर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, हाँ आयरिसिस पुतली को तुरंत अनुबंधित करने में असमर्थ हो जाती है, सही आंसर सी पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 84 एंड 85, हवा में घूमती हुई क्रिकेट बॉल को स्विंग को किस आधार पर समझाया जा सकता है, हवा में जो बॉल क्रिकेट घूमती है तो उसमें जो स्विंग होता है, आजकल आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देख रहे हो, राकेश जी 83 का, हाँ ठीक है, विकास कुमार हैं, अरुण कुमार हैं, दीपक जी हैं, डॉली जी हैं, विजय पाउल जी हैं, जल्दी से कमेंट जरूर किया करो, आपका नाम अमर तभी होगा और ये तब तक चलेगा जब तक ये वीडियो आपकी चलती रहेगी, है ना। कह रहे कि हवा में घूमती हुई बाल स्विंग को किस आधार से समझाया जा सकता है,
कह रहे हैं वायु की उत्पलता, अचानक हवा की दिशा में परिवर्तन, हवा से उत्पन्न होने वाली अशांति, या बर्नौली के थ्योरम से क्या हो जाएगा? बर्नौली का डेरिवेशन जानते हैं ना, उसी में से होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। आप डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, आपको कॉन्सेप्ट पता हो, बस आंसर टिक कर दोगे। कह रहे हैं सर्दियों में दो पतली शर्ट हमें एक मोटी शर्ट की तुलना में गर्म क्यों रख सकती हैं? उसमें क्या होता है कि दो शर्ट के तुलना में, सॉरी मतलब एक मोटी शर्ट की तुलना में दो पतली पतली शर्ट पहनोगे तो उसमें क्या होगा कि जो दो शर्टों के बीच में एयर का एक वो बन जाता है, लेयर बन जाता है, वो क्या कर देता है, ऊष्मा को इधर उधर जाने नहीं देता। यानी कि आपकी बॉडी अगर जो हीट है तो उतनी हीट रहेगी, बाहर का मौसम ठंडा है उससे कोई फर्क नहीं होगा, उसके बीच में जो लेयर होगी वो उसको आर पार नहीं होने देती। तो अब इस सर्दियों का टारगेट क्या है कि बड़ी सी जैकेट पहनने से अच्छा है दो हल्की हल्की जैकेट्स पहनोगे, एक मोटी सी इनर पहनने से अच्छा है दो हल्की हल्की बनियान पहनोगे। क्लियर है? चलो हाँ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दो शर्टों के बीच में वायु परत को इंसुलेट जैसे व्यवहार करती है। इंसुलेशन का मतलब समझ रहे हो ना, एसी लगवाते हो तो हर जगह उसमें जो पाइप आता है तो इंसुलेशन लगा होता है। इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि वो उस हीट को प्रवाहित ना होने दे। चलिए आ जाओ अगला, क्या कह रहे हैं, ध्वनि नहीं गुजर सकती है कहाँ से, पानी से, स्टील से, वैक्यूम से, या एयर से? भाई किसी ना किसी जो है तो मीडियम की जरूरत होती है। एयर जब भी आप देखते हो आप कहोगे कि सर यहाँ पर कौन सा मीडियम है, तो यहाँ पर मेरे भाई एयर है। यानी कि किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होगी तभी आपकी ध्वनि गुजर सकती है। क्लियर है? चलो 86 नंबर का क्या आंसर आ जाएगा भाई, डी यानी कि वैक्यूम। क्लियर? कह रहा है एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में, किस में हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 87। आकाश कुमार जी, दीप अरुण कुमार जी, सबका सब सही आंसर यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में, यानी कि विद्युत ऊर्जा के रूप में। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88 एंड 89। कह रहा है वायुमंडलीय दबाव पर तूफान की भविष्यवाणी की जाती है, अचानक बढ़ने से, धीरे धीरे बढ़ने से, अचानक गिरने से, या धीरे धीरे गिरने से। अभी हमने बैरोमेट्रिक की बात की थी ना, हाँ अभी हमने बैरोमेट्रिक, तभी तो पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गिरने से। लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं, एटमोस्फियरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एटमोस्फियरिक प्रेशर की। क्लियर है? चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से घूमने वाली टर्न टेबल पर एक व्यक्ति को अपनी कोणीय गति को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? स्वतंत्र रूप से घूमने वाली टर्न टेबल पर एक व्यक्ति, आप जो घूमने वाली चेयर होती है, हाँ एक और बता देते हैं, कांच की टेबल हो, उसमें दो जाम के गिलास हो, घूमने वाली चेयर हो जिसमें पीछे वो टेक लगाने वाला हो, और चखने में ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो, है ना, चखने का मतलब नमकीन नहीं, नमकीन नहीं खाना चाहिए, है ना, नहीं वो मीटिंग वगैरह उसी से होती है नमकीन से। तो एक हमारे विशाल सर हैं, तो ये सारी चीज़ों का जो है तो एक्सपीरियंस वो बताते हैं कैसे कैसे हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, हाँ घूमने वाली चेयर से याद आ गया, स्वतंत्र रूप से घूमने वाली टर्न टेबल पर एक व्यक्ति को अपनी कोणीय गति को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने हाथों को एक साथ लाना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने हाथों को ऊपर उठाना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने हाथों को बाहर की ओर फैलाना चाहिए। सही आंसर ये हो जाएगा, ऊपर करके बैठने का कोई मतलब नहीं, हाथ फैलाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही हाथ फैलाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उसका। क्लियर है? यानी कि अवरोधक बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 और 91। कह रहे हैं पीले रंग का पूरक कौन सा रंग होता है, पीले रंग का पूरक कौन सा रंग होता है, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपकी फंडामेंटल यूनिट होती है वैसे ही आपके फंडामेंटल्स कलर भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ब्लैक, रेड और व्हाइट। क्लियर है ना? क्या हो जाएगा हमसे, क्या कह रहे हैं, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और रेड। कह रहे पीले रंग का पूरक रंग कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 90 क्या हो जाएगा, सी। पूरक रंग का मतलब यह है कि किसी को किसी से मिलाकर बनाने पर जो बनता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वायु और जलवाष्प का, पानी और धुआं का, आग और धुआं का, धुआं और कोहरा का। क्वेश्चन नंबर 91 का क्या हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 91 90 का ठीक है, हो गया ऑरेंज वाला सी पार्ट। 91 का आंसर कमेंट करो भाई क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 ए पार्ट, एयर और वाटर वेपर का नहीं यार, वायु और जलवाष्प का, पानी और धुआं का, आग और पानी का, धुआं और कोहरे का। हमसे कह रहे हैं कि स्मॉग क्या होता है, स्मॉग मतलब क्या है, कह रहे हैं कि स्मॉग आप लोगों ने देखा होगा कि स्मॉग और फॉग, क्या स्मॉग और फॉग क्या हो जाएगा आंसर, धुआं और कोहरा। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका डी पार्ट सही था। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहे हैं डीसी को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में ब्लॉक करने के निम्नलिखित सर्किट तत्वों को से किसका उपयोग किया जाता है, रेजिस्टेंस, धारिता, उत्पादन, डायोड। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, डायोड। 92 किसका उपयोग किया जाता है भाई, धारिता का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटेंस लगा दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, किसकी तरह, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है कि 3D फिल्म देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रम होते हैं, डिफोकसी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, पोलाइड लेंस, कौन सा होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3D मूवी देखी है ना, मजा आता है उसमें, ऐसा प्रतीत होता है कि सारी की सारी चीजें यहीं पर हो रही हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, डी पार्ट, पोलराइज्ड लेंस। क्वेश्चन नंबर 94 एंड 95, स्थिर गति के साथ चलती हुई एक खुली कार में बैठा एक लड़का सीधे हवा में एक गेंद को फेंकता है, गेंद गिरेगी उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसकी तरफ से। एक चीज ध्यान रखो, क्या आप लोग जब भी बस से उतरते हो तो बस वाले ऐसे होते हैं कि बस को रोकते नहीं है पूरी तरीके से, क्लियर, तो बस को रोकते नहीं, आपसे वो कहते हैं आगे को मुंह करो और उतर जाओ, आगे को मुंह करो, गलती से आपने पीछे को मुंह करके उतर गए, ये समझो बस के साथ आप गिर जाओगे। क्यों, थोड़ी दूरी आपको दौड़ के उसके साथ में जाना होता है, उसके साथ में स्पीड मेंटेन करने के लिए, फिर धीरे से आप रुकते हो। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, 94 कह रहा है कि स्थिर गति के साथ चलती हुई खुली कार में बैठा एक लड़का सीधे हवा में एक गेंद फेंकता है, तो गेंद गिरती है उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसकी तरफ, सिंपल सी बात है कहाँ गिरेगी, उसके पीछे, क्लियर है। चलो, 1 किलोवाट घंटे की इकाई है ऊर्जा, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत। किलोवाट घंटा क्या होती है, किलोवाट घंटा क्या होती है, अरे अभी बताया ना पिछले वाले क्वेश्चन में, ये साइड डिस्कस किया था, एनर्जी, एनर्जी किलोवाट और की बात कर रहे हैं, अरे 3.6 मेगा जूल जो बात कर रहे थे ना, वही है ये, क्या वही है, क्लियर है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन था आई थिंक जो हम लोगों ने बताया था, कैसे आता है ना, अरे यार ये हॉर्स की बात कर रहे हैं ना, कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड होते हैं, वाट वाला ये कन्वर्ट हो जाएगा किलो का मतलब इंटू 1000 और डिवाइड कर दोगे कितने, 10^6 से, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 3.6 किलो वाट हॉर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 96 कह रहे हैं कि वेंटिलेटर कमरे की छत के पास लगाए जाते हैं, क्यों, वेंटिलेटर कमरे की, सांस छोड़ने पर निकली हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर निकल जाती है, ये कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन प्रदान करते हैं, ये कमरे में थोड़ी धूप प्रदान करते हैं, ये निचले हिस्से अच्छे नहीं लगते हैं, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है, क्रॉस वेंटिलेशन प्रदान करते हैं, नहीं, सांस छोड़ने पर, जब आप ये समझो कि कमरे में होते हो, आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो एक जगह पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि वो केवल और केवल इसलिए होता है कि भाई रूम पे जब सारे लोग होते हैं तो उनकी जो सांस निकलती है तो वो गर्म हवा छोड़ती है, क्या गर्म हवा छोड़ती है, क्लियर है, तो उसमें होता क्या, जिसकी वजह से रूम गर्म हो जाता है, लेकिन हेलो ठीक है ठीक, ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है, जैसे आप लोगों ने एसी वगैरह देखा होगा तो वो ठंडी हवा फेंकता है, तो ठंडी हवा ऊपर से नीचे की तरफ जाती है और गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो इसमें होता ये है कि ये जो हमारी हवा जाती है तो नीचे से गर्म वाली ऊपर चली जाती है, यानी वेंटिलेटर ऊपर लगाओगे तो ऊपर से वो उधर निकल जाएगी और ठंडी हवा हमारी अंदर आ जाएगी, क्लियर। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कह रहे हैं, पानी से हटाए जाने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्यों,
भूतल तनाव के कारण, श्यानता के कारण, इलास्टिसिटी के कारण या फ्रिक्शन के कारण? क्वेश्चन नंबर 97। भूतल तनाव नहीं है, वो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठीय तनाव होता है। भूतल ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह पृष्ठीय तनाव होगा। सरफेस टेंशन को क्या कहते हैं? पृष्ठीय तनाव। सही आंसर क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन की वजह से। कह रहे हैं कि सभी भूतल ताकतों में सबसे कमजोर है गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, चुंबकीय बल, परमाणु बल। कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर बताओ। गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। भाई कमेंट नहीं कर रहे हो भाई नीतू कुमार जी। 97 का ए और बी। यार हमने सही आंसर बता दी फिर भी कंफ्यूजन है। दिनेश कुमार जी बी नहीं, ए पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट। कौन सा? ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं कि हवा में ध्वनि का वेग परिवर्तन नहीं बदलता है। वायु का तापमान, वायु का दबाव, हवा में नमी की मात्रा, ध्वनि के प्रसार की दिशा। क्वेश्चन नंबर 99 ये लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स के, उसके बाद में हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। 99 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? मॉइस्चर कंटेंट यानी कि हवा में नमी के मात्रा के कारण होता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 100 क्या क्या कह रहे हैं? गैस का घनत्व तो अधिकतम होता है कम तापमान कम दबाव पर, कम तापमान उच्च दबाव पर, उच्च तापमान उच्च दबाव पर, उच्च तापमान और उच्च दबाव पर। गैस का घनत्व तो अधिकतम हमसे पूछ रहे हैं क्या? गैस का घनत्व तो अधिकतम क्या हो जाएगा? सही आंसर कम तापमान और उच्च दबाव पर। अभी हमने डिस्कस किया था ना पिछले क्वेश्चन पे, क्या हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर क्या होता है? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। आ जाओ भाई अब मजेदार क्वेश्चन स्टार्ट होंगे किसके? हिस्ट्री के। ध्यान से देख लो, पानी वानी पीना है तो पी लो आराम से, ठीक है? अगले जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन चलेंगे। आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, जल्दी से कमेंट करते रहो यार, कमेंट करने में कोई कंजूसी मत करो, और दूसरी चीज शेयर करने में भी कोई कंजूसी मत करो। चलो देखो क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया हिस्ट्री का, आप बता दो ईमानदारी से 100 में से कितने सही हुए हैं? सारे के सारे लोग कमेंट करो 100 में से कितने सही हुए हैं। 101 का डी। कह रहा है कि सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था वो कौन थे? सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था कौन थे भाई? गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, क्या जल्दी से करेंगे ये क्वेश्चन? केवल और केवल जिन लोगों का कल पेपर है या आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हम इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधे सीधे आंसर बताते चले जाएंगे। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद कर, गुरु नानक। 102 नंबर क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करो। 101 का सी पार्ट। 102 नंबर का जल्दी से कमेंट करो। अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था भाई साहब? सी पार्ट। किसके द्वारा? गुरु हरगोविंद कर के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु हरगोविंद कर। क्वेश्चन नंबर 103 डॉली जी हाँ जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो, 500 क्वेश्चन है। आ जाओ। कह रहे हैं कि सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसको जाता है? क्वेश्चन नंबर 103 किसको जाता है? गुरु हरगोविंद सिंह जी को जाता है। किसको? गुरु हरगोविंद सिंह जी को। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहे हैं? ताजमहल को डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन थे? कौन थे? मोहम्मद हुसैन, शाह ईसा, इस्माइल या उस्ताद अहमद लाहौरी? क्या हो गया? सही आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला क्या है? सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित हैं? जहांगीर, बहादुर शाह जाफर, अकबर या शाहजहां? क्वेश्चन नंबर 105 जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो।
आप क्या करो, जैसे क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन का तुरंत आंसर कमेंट कर दो, क्लियर है? चलो गोपाल पाल 104 का बी सही है। 105 पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 105 क्या हो जाएगा? हमसे ये पूछ रहा है सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा। आप लोगों ने सुना होगा तानसेन कहां पर गाया करते थे? अकबर के यहाँ। कहां पर गाया करते थे? अकबर के यहाँ। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। कह रहे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। किसके द्वारा कराया गया था भाई? किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी कि किस क्वेश्चन का बी पार्ट सही होगा? क्वेश्चन नंबर 107, 108 और 109 जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 107, 108, 109 तीन क्वेश्चन बैक टू बैक हैं। कह रहे हैं कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर में से निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था भाई साहब? बी पार्ट यानी कि बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कह रहे हैं? निम्न में से किसे तूतई हिंद के नाम से जाना जाता है? तूतई हिंद के नाम से किसको जाना जाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 108 जल्दी से कमेंट करो। 107 का बी, हाँ 108 का, 108 का जल्दी से कमेंट करो, सारा रिवीजन हो जाएगा, इसके बाद जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना? साथ में क्या होना चाहिए? जाम होना चाहिए। चलो 108 पे आ जाओ भाई। 108 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। क्या? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहे हैं? किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? किस मुगल, यानी अच्छे आदमी थे इन्होंने, अगर जो तंबाकू को बैन कर दिया था तो अच्छे आदमी थे। 109 का आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब। सही आंसर क्या है भाई? औरंगजेब। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। 110, 111, 110, 111, 112, 113 चार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, जल्दी से कमेंट करो, फिर हम सारे आंसर बताते हैं। 110, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया था? अभी हमने पिछले लेक्चर पे बताया था, जो हिस्ट्री की क्लास हुई थी उसमें बताया था, वास्को डी गामा जब ये कालीकट आए थे तो इनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ था, और ये कालीकट दूसरी बार आए थे। क्या? दूसरी बार। पहली बार एक बार आए थे, सफलता नहीं लगी थी, दूसरी बार आए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1498 में। कब आए थे? 1498 में। अगला क्या है? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के समय। 111 का आंसर स्नेहा रंजन जी, नीतू कुमार जी, गीतांजलि जी, एकांक्षा यादव जी, विजय पाल जी, डॉली जी, अरुण जी, आर के सिंह जी, दिनेश कुमार जी। हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो, लेट मत करो। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहे हैं कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? कौन था भाई? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 112 अल्बुकर्क को माना जाता है। किसको? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क कौन थे भाई? ये उस समय के, एक चीज समझ लो, जब ये आए थे अल्बुकर्क तो ये एक क्लर्क आए थे, क्लर्क से ये गवर्नर जनरल तक बने थे। क्लियर है? हाँ इन्होंने पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित किया था। चलो आ जाओ 113 नंबर क्वेश्चन, 113, 114 और 115 जल्दी से आंसर कमेंट करो। कह रहे हैं कि मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फरूख का सियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? 113 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 कौन थे भाई? जान समरन थे। कौन थे? जान समरन थे। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो, 500 क्वेश्चन हैं, 500 क्वेश्चन तक ले जाना है। अगला आ जाओ। कह रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक, केवल भूभाग था, व्यापार और भूभाग था, भूभाग नहीं व्यापार था, इनमें से कोई नहीं। 114 का ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? पहले जब आए थे तो ये लोग केवल और केवल व्यापार करने के मूड से आए थे,
कि हम लोग व्यापार करेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे चीजों को फैलाना स्टार्ट कर दिया। व्यापार के साथ इन्होंने जमीन का भी जो है तो पूरी तरफ से हड़पनामा कर लिया। बाद में जो है तो बहुत सारी क्रांतियां हुई और चीजें सही हो गई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, करें विलियम हंकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार गए थे? विलियम हंकिंस की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 115, जल्दी से आंसर कमेंट करो। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, क्या हो जाएगा 115 का? दीपक कुमार जी जल्दी से आंसर कमेंट करो। हाँ, 115 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? जहांगीर के यहां गए थे। कहां गए थे भाई? जहांगीर के यहां गए थे। नेक्स्ट पे आ जाओ, 116, प्रथम कर्नाटक का युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक के युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? क्वेश्चन नंबर 116, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिबद्धता, ऑस्ट्रेलियाई राजगद्दी का युद्ध, कर्नाटक की राजगद्दी का विवाद, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिकरण। 116 क्या है? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिकरण। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 117, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो। 117, 118, 119 कह रहे हैं कि डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? बंदेल, हुगली, पिपली और श्रीरामपुरा। क्वेश्चन नंबर 117, बंदेल, पिपली, हुगली, श्रीरामपुरा कौन सा स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 117। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डिलीट मत किया करो, जो भी कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद अगर जो आपको सही पता चल गया तो सही वाला कमेंट कर दिया करो। चलो, क्या हो जाएगा आंसर भाई? क्वेश्चन नंबर 117 का पिपली में स्थापित किया था। क्या? पिपली कारखाना स्थापित किया था। भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध में हुआ था? प्लासी का युद्ध, वाडिवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 118, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वाडिवास का युद्ध, श्रीरामपट्टनम। भारत में अंग्रेजों के फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत कब हुआ था? कब हुआ था भाई? वाडिवास के युद्ध में हुआ था, वाडिवासी के युद्ध में हुआ था। क्लियर है? बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध में तो ये अपने ही लोग, अपने अपने लोगों के बीच में हुआ था, यानी कि भारतीयों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, तो उसमें तो हम लोग हार गए थे, उसके चक्कर में बहुत सारी चीजें देनी पड़ी थी इनको। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 119 में क्या कह रहे हैं? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर सरफराज खां, अलविदा खां, शाहउद्दीन अहमद, मुर्शिद कुली खां। कौन है भाई 119? कौन है 119 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां। कौन है भाई? मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी? बक्सर के युद्ध की, मैसूर का तृतीय युद्ध, प्लासी का युद्ध, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 120, का क्या हो जाएगा भाई? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। 120 का सही आंसर बी पार्ट। 121 का, बक्सर के युद्ध समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर और नजामुद्दीन। हेलो, किधर हो? हेलो, किधर हो? किधर हो? जाना नहीं उधर? ठीक ठीक, मैसेज करो जान। चलो, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 121, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था भाई? मीर जाफर थे। कौन थे? मीर जाफर थे। मीर जाफर और मीर कासिम में क्या था? ये उनके दामाद थे। कौन थे भाई? दामाद थे। देखते वो थे लेकिन राज्य इनका था। क्लियर है? चलो, कह रहा है कि सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर कौन सा शहर प्राप्त कर लिया था भाई? कलकत्ता। कौन सा? कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 123 कह रहे हैं कि ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था?
किसके द्वारा ब्लैक होल घटना का विवरण प्राप्त होता है? 123 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी शेयर करो भाई, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, 500 क्वेश्चन करने हैं, 500। 122 नंबर का बताओ भाई, क्या हो जाएगा? कह रहे कि ब्लैक होल घटना का विवरण हमें अंग्रेज से प्राप्त होता है, वो कौन से थे भाई? हालवेल। कौन से थे? हालवेल हमारे थे, क्लियर है। कह रहा है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी? मुंगेर में स्थापित की थी। कहां से? मुंगेर में। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि ये जो थे हमारे मीर कासिम साहब, इनका क्या था, जो उस समय एक इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो उसमें इनका जो था वो डचों के साथ में नहीं बनता था, ये फ्रांसीसियों के साथ जुड़ना चाहते थे, तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मतभेद रहते थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे इनको, तो इन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली। कौन सी? मुंगेर। कह रहे कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी, दीवानी क्या होती है भाई? टैक्स होता है। क्या होता है? टैक्स होता है। तो कह रहे कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स प्रदान की थी? फर्रुखशाह, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या शुजाउद्दौला? किसने प्रदान की थी भाई? शाह आलम द्वितीय ने। इसमें यह होता था कि एक समझौता हुआ था, यानी कि ये जो आपकी संधियां हुआ करती थी, तो वो जो समझौता होते थे कि इंटरनल मैटर पे हम आपके कुछ भी नहीं कहेंगे और आप हमारे मैटर पे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो टैक्स वगैरह है ना, ये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी कि जो अंग्रेजी शासक हुआ करते थे उनको देना पड़ेगा। अगला क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान और नंदराज। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। क्या हो गया? क्वेश्चन कमेंट नहीं कर रहे हो भाई लोग? राकेश पासवान जी, क्या हुआ? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 127, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी भाई? 1857 में से, 1799 में से और 1769 में। कब हुई थी? 1799 में से। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 128। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेल नहीं है? प्रथम अंग्ल मैसूर का युद्ध, ये तो सही है। हमसे ये पूछा है कौन सा सुमेल नहीं है, ये नहीं पूछा है कौन सा सुमेल है, क्लियर है। ये चीज ध्यान से देखोगे क्या हो जाएगा। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला वाला तो भाई है, अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच में। द्वितीय अंग्ल मैसूर, ये भी सही है आपका। फिर तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, ये भी सही है आपका। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध, यही आपका सुमेलित नहीं हो रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 129 देखो फटाक से। कह रहे कार्निवाल्स में टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदली गुट बनाया, उसमें शामिल थे अंग्रेज निजाम और मराठा, अंग्रेज निजाम और अवध, अंग्रेज निजाम और कर्नाटक, अंग्रेज पर मराठा और कर्नाटक। चलिए क्या हो जाएगा आंसर भाई, क्वेश्चन नंबर 129। चलिए तो कौन कौन थे भाई हमारे? अंग्रेज निजाम और मराठा। कौन कौन थे? अंग्रेज निजाम और मराठा। अगला कह रहे हैं भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे भाई? सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। कह रहे हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड जानसोर, लॉर्ड कार्निवल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? वारेन हेस्टिंग्स, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 132। सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मियो, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 32 कौन था भाई?
अरे जिन लोगों ने हमारे पुराने लेक्चर देखे होंगे तो हमने बताया था लॉर्ड कर्जन जो थे हमारे सबसे ज्यादा समय तक भारत के वायसराय, वायसराय कौन हुआ करते थे? राजा के बाद में जो दूसरी पोस्ट हुआ करती थी तो वायसराय हुआ करते थे, वायस राय। क्लियर? रॉय से समझ जाओ रॉयल्टी की बात कर रहे होंगे। क्लियर है? चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेन, क्लीमेंट एंटली, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लीलांथ्रिजो। क्वेश्चन नंबर 133, अंतिम वायसराय पूछ रहे हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा भाई? लॉर्ड माउंटबेन, हमसे ये नहीं कहा गया है कि किसके द्वारा नियुक्त किया गया वह अंतिम वायसराय, तो यानी कि हमें अंतिम की बात करनी हुई तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेन। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहे, 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने सुनाया था भाई साहब? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। लॉर्ड बनहम ने? नहीं, केवल और केवल किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं कि लॉर्ड कार्निवाल्स की कब्र कहां पर स्थित है? गाजीपुर, वाराणसी, बलिया या गोरखपुर? कहां पर स्थित है भाई लॉर्ड कार्निवाल्स की कब्र? कहां पर स्थित है? बलिया में स्थित है। कहां पर? बलिया में। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहे हैं कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? पिछले लेक्चर पे ही हमने बताया था, पूर्वी रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिब्बत रेलवे। नहीं, सही आंसर क्या हो जाए? ग्रेट इंडियन पेंसुला रेलवे। क्लियर है? अरे कमेंट कर रहे हो ना भाई लोग, जल्दी जल्दी 500 क्वेश्चन करने हैं फटाक से, है ना? थकना मना है, थकना मना है। सारे के सारे क्वेश्चन, अगर जो कोई दिक्कत आ रही इशू आ रही डेटा वगैरह का, तो थोड़ा सा एक काम कर सकते हो, क्वालिटी कम कर लो उसका। क्लियर है? चलो आ जाओ भाई। क्या हो जाएगा? किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? किसकी हुई थी भाई? लॉर्ड मेयो की। किसकी हुई थी? लॉर्ड मेयो की। क्वेश्चन नंबर 138, 138 का बताओ भाई, आंग्ल नेपाल युद्ध के किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वेरन हेस्टिंग्स। किसके शासनकाल में हुआ था भाई? लॉर्ड हेस्टिंग्स के। किसके? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कह रहे किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा के बारे में सारे के सारे लोग जानते होंगे, अभी भी जो है तो ये पता चला था कि 2,36,000 पिछले साल बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया था, यही हमारी दास प्रथा होती थी। पहले क्या होता था, अगर जो आप उनसे हार जाते हो, अंग्रेजों से हार गए या ब्रिटिशर्स से किसी से भी हार गए, तो वो क्या करते थे, आपको बंधुआ मजदूर की तरह रखते थे, आपको ना तो पैसा देंगे ना कुछ देंगे, 2 वक्त की रोटी दे दें तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 वक्त की ही देते थे और काम करवाते रहते थे। अभी भी ये कहीं कहीं चल रहा है। क्लियर है? तो उसको क्या कहा जाता है? बंधुआ मजदूर। किसने किया था? लॉर्ड एलन ब्रो ने किया था। किसने? लॉर्ड एलन ब्रो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहे किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को, अभी तो इसका हो गया है, 140 कह रहे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? विजय पाउल, दिनेश कुमार, राकेश पासवान। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो भाई, जल्दी से आंसर कमेंट करो, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 140 क्या हो जाएगा? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है भाई साहब? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जॉर्ज बेलो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था भाई साहब? लॉर्ड रिपन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 42 नंबर, 142 कह रहे हैं निम्न में से सहायक सिंध किसने स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर ने, जोधपुर के राजपूत ने, मैसूर के शासक ने। किसने स्वीकार नहीं की थी? सहायक संधि क्या होती थी भाई? सहायक संधि के बारे में बता देते हैं। सहायक संधि ये थी
कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में समझौता होता था, दो लोग आपस में अलग अलग क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, यानी कि दो लोग हैं उनके बीच में एक और तीसरा बंदा लाके खड़ा कर दो, तो वो उस पे वो लोग उसमें क्या होता था कि ये कहते थे कि जो भी आपका यहाँ का जो दीवानी होगी, दीवानी यानी कि टैक्स होगा, वो टैक्स कौन लेगा। मेन दिक्कत यही आती थी कि वो टैक्स कौन लेगा, टैक्स वो कहते थे कि ब्रिटिशर्स या जो फ्रांसीसी थे वो लेंगे। आपको क्या करना होगा, जो भी आपके क्षेत्र में पैदाइश हो रही है, यानी कि जो भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है, मसाला अधिक हो रहा है तो मसाला, या आपके यहाँ चाय अधिक हो रही है तो चाय, जो भी पैदाइश हो रही है उसका 50% शेयर देना पड़ेगा उनको, किसको, ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। इस टाइप की संधि होती थी। दूसरी चीज, सेना किसकी हुआ करती थी, सेना हमेशा ब्रिटिशर्स की हुआ करती थी। उसका खर्च कौन देगा, जो लोकल के राजा हुआ करेंगे वो उसके खर्च देंगे, क्लियर है। और ये जो सेना होती थी इन पे राज कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करते थे, यानी कि आप उनको खर्च दे रहे हो, रहने खाने का सब कुछ दे रहे हो, लेकिन हुकूमत कौन उन पे चला रहा होता था, अंग्रेज चला रहे होते थे, क्लियर है। तो किसने मना कर दिया था भाई, क्वेश्चन नंबर 42 का, इंदौर के होलकर ने, इन्होंने मना कर दिया था कि हमें नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहे कि ब्रिटिशर्स भारत की राजधानी कलकत्ता दिल्ली स्थानांतरित करने में किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सबोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, किसके शासनकाल में हुई थी भाई, लॉर्ड हार्डिंग के, किसके, लॉर्ड हार्डिंग, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 143, हाँ 142 का बी ही है भाई, 143 हो गया। 144 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 144, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था, लॉर्ड वेलजली, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवेल्स, लॉर्ड डफरिन ने, किसने किया था, लॉर्ड कार्नवेल्स ने किया था, किसने, लॉर्ड कार्नवेल्स ने। कह रहे कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। तीन क्वेश्चन बैक टू बैक है, तीनों के आंसर कमेंट करो जल्दी से। सर टॉमस मुनरो 145, क्या हो जाएगा हमसे, ये कह रहा है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, स्थायी बंदोबस्त से, महालवाड़ी से, रैयतवाड़ी से, किससे संबंधित है, रैयतवाड़ी से, क्या आंसर सही हो जाएगा, सी पार्ट। कह रहा है कि महालवाड़ी व्यवस्था को किस क्षेत्र में लागू किया गया था, महालवाड़ी व्यवस्था को किस क्षेत्र में लागू किया गया था, पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, पंजाब में लागू किया गया था, कहां पे लागू किया गया था, पंजाब में, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया गया, कह रहा निम्नलिखित में से कौन दादाभाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते थे, बाल गंगाधर तिलक, एम जी रनाडे, आर सी दत्त, सर सैयद अहमद खां, कौन थे भाई, सर सैयद अहमद खां, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे, सही आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने, क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 49 नंबर, कह रहे असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना कब हुई थी, असम में सर्वप्रथम चाय के कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1835, 1837 या 1839, भाई साहब सी पार्ट, कब हुई थी, 1839 में, क्लियर है। चलो, कह रहे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह करना, क्या हो जाएगा, 150 नंबर का, 150, जल्दी से आंसर कमेंट करो, जल्दी से आंसर कमेंट करो भाई, 150 नंबर का क्या हो जाएगा, सी पार्ट, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, कहां, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला कह रहे हैं, मंगल पांडे कहाँ के विलय से जुड़े हुए हैं, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं, मंगल पांडे कहाँ के विलय से जुड़े हुए हैं, कहाँ के जुड़े हुए हैं, बैरकपुर से, कहाँ पे, बैरकपुर से जुड़े हुए हैं, क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई,
क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, कौन था भाई? जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो। शेयर नहीं कर रहे हो भाई लोग, हैं? तो गलत बात है ना। चलो क्या कह रहे हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 152 क्या हो जाएगा भाई? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन से? लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट पे आ जाओ, 153 नंबर पे कह रहे हैं कि व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलजली से, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड डफरिन से? किससे संबंधित है भाई? लॉर्ड डलहौजी से। किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। 154 नंबर पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने? जल्दी से आंसर कमेंट करो। 154, 155, 156 तीन क्वेश्चन है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। चले क्या हो जाएगा भाई 154 नंबर क्वेश्चन का आंसर? कह रहे हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। किसने की थी? ग्वालियर के सिंधियों ने। इनकी वजह से ही क्या हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। क्लियर? अगर जो ये उनके साथ समझौता नहीं करते तो रानी लक्ष्मीबाई कभी मारी नहीं जाती। क्लियर है? वो कैसे कैसे झांसी से ग्वालियर तक लड़ते लड़ते गई थी और फिर वहां पर इनकी जो है तो विश्वासघात के कारण उनका वीरगति की प्राप्ति हुई। क्लियर है? चलो कह रहे हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, संवाद कॉमेडी। कौन था भाई? द बंगाल गजट। बंगाल के बारे में ध्यान रखो, बहुत ही अच्छी जगह है। क्लियर है? कौन सा था? द बंगाल गजट। ये पहले साप्ताहिक हुआ करते थे, सारे के सारे क्या हुआ करते थे? साप्ताहिक। कह रहे हैं कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेल्जली, वॉरेन हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, लॉर्ड डलहौजी। किसने लागू की थी भाई? क्वेश्चन नंबर 156 किसने की थी भाई? निम्न में से किसने सर्वप्रथम? लॉर्ड वेल्जली ने। किसने लागू की थी? लॉर्ड वेल्जली ने। अगला क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? किसने रद्द किया था भाई? क्वेश्चन नंबर 157 क्या आंसर हो जाएगा भाई? 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। किसने? लॉर्ड रिपन। इस क्वेश्चन का ए पार्ट। यार आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या हो गया, एनर्जी डाउन? ऐसे मत करो। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहे हैं कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था? लाला लाजपत राय ने, राजा राम मोहन राय ने, सर सैयद अहमद खान ने, मौलाना शिवाली नेबानी ने? किसने किया था भाई? क्वेश्चन नंबर 158 क्या हो जाएगा आंसर भाई? हमसे ये कह रहे हैं फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था भाई? लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ, कह रहे गदर पत्र एक प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था?
उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या मराठी में? किस में हुआ था भाई? गदर पत्र एक प्रथम अंक किस में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 59 किस में हुआ था भाई? उर्दू में हुआ था। किस में? उर्दू में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कर अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने या एस एन बनर्जी ने? किसने किया था भाई? शिशिर कुमार घोष ने किया था। किसने? शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने क्वेश्चन नंबर 161 जल्दी से आंसर कमेंट करो भाई। सारे के सारे लोग अपने फेसबुक वाल पे जरूर इसको शेयर करेंगे, क्लियर है ना? ये सबके गर्लफ्रेंड की कसम है, क्लियर? जितने भी लड़के हैं, हाँ, इस चीज को ध्यान रखो, आपको शेयर करना जरूरी नहीं, मजबूरी है। जिनके पास नहीं है तो भावी यानी कि फ्यूचर वाली, है ना, फ्यूचर वाली गर्लफ्रेंड की कसम है, सबको सब फेसबुक पे जरूर लगाएंगे आज ये, क्लियर है? 161 नंबर पे आ जाओ भाई। 161 नंबर का क्या हो जाएगा? कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? केसरी किया था। कौन सा? केसरी भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कह रहे हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिजन समाचार पत्र के संपादक गांधी जी थे। कौन थे भाई? गांधी जी। 163 नंबर क्या कह रहे हैं? एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। एक साप्ताहिक पत्रिका में यंग इंडिया किसने किया था? होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने या गदर पार्टी ने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 163 नंबर क्या हो जाएगा भाई? साप्ताहिक पत्रिका में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। किसने? होम रूल पार्टी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 64 नंबर में कह रहे हैं कि मराठी पत्रिका पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बताइए। 164 नंबर जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, दिखना चाहिए सब में, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, क्लियर है? जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 164, मराठी पाक्षिक पत्रिका क्या हो जाएगा भाई? बाल गंगाधर तिलक, बी आर अंबेडकर, वी डी सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले? कौन सा हो जाएगा? बी आर अंबेडकर जी ने किया था, क्लियर है? कह रहे हैं कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? वंदे मातरम, पीपुल, वीरार्जुन या ट्रिब्यून? कौन सा किया गया था भाई? वंदे मातरम किया गया था। कौन सा? वंदे मातरम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 166 जल्दी जल्दी करो भाई, 500 क्वेश्चन है, फटाक से आंसर कमेंट करो। कह रहे हैं कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विलिंग्स ने, हेनरी कोलबुक ने, सर विलियम जोन्स ने या योहान वेलकांगा ने? किसने किया था भाई? जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 166 किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने? सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 167, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? 166 नंबर का डी पार्ट सही है आरके सिंह जी। 167 नंबर पे आ जाओ। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 167 क्या हो जाएगा? अद्वैतवाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? अद्वैतवाद पर आधारित है, क्लियर है ना? अद्वैतवाद क्या होता था? अरे अद्वैतवाद ये समझो कि उस समय ये होता था कि राजाओं के जिनके संतान नहीं होते थे तो ये होता था कि उनका ब्रिटिशर्स राज ले लेंगे, लेकिन फिर बाद में सारी चीजें खत्म हो गई, क्लियर? चलो क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्न महापुरुषों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक हमसे पूछ रहे हैं, क्या हो जाएगा? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती? कौन थे भाई? राजा राम
मोहन राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, इनको हमेशा ध्यान रखो, इनकी उपलब्धियों के बारे में हमेशा पढ़ते रहा करो, क्लियर है। चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 169 क्या कह रहे हैं हमसे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना कहाँ की थी, बंबई में, लाहौर में, नागपुर में या अहमदनगर में। क्वेश्चन नंबर 169 क्या हो जाएगा, बंबई में किया था भाई, कहां पर किया था, बंबई में किया था। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे, 170 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से, थियोसोफिक सोसाइटी से। 170 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करो। राजा राम मोहन राय अभी आपने पढ़ा, ये किससे संबंधित थे, ब्रह्म समाज से थे। स्वामी दयानंद सरस्वती अब किससे संबंधित थे, आर्य समाज से। स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित थे, रामकृष्ण मिशन से। महादेव गोविंद रानारे ये थियोसोफिक सोसाइटी से संबंधित नहीं थे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 171 में देखो क्या दिया गया है, कह रहे हैं कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। 171 किसको प्रभावित किया था भाई, कुलीन जमींदार को, नवीनतम धनवान व्यापारी को, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, किसको किया था, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को किया था। 172 किसने कहा था, यदि भगवान अप्रसन्नता से सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा, किसने कहा था ये सेंटेंस भाई। 172 नंबर, बी आर अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय। आप लोग आंसर कमेंट करते जाओ, आंसर में कोई कुताही मत करो, सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, बाल गंगाधर तिलक ने, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। आ जाओ भाई 172 क्वेश्चन में, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 172, मैडम एचपी ब्लावस्की, महात्मा गांधी या राजा राम मोहन राय, किसने की थी भाई, महात्मा गांधी जी ने किया था, किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 173 कह रहे हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, कौन थे भाई, रामकृष्ण परमहंस, बंकिम चंद चटर्जी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, कौन थे। क्वेश्चन नंबर 173 सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, रामकृष्ण परमहंस, कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन 174 क्या कह रहे हैं हमसे, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंस कॉलेज की स्थापना किसने की थी, वॉलिच ने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने या विलियम कैरी ने, किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। दोनों चीजें हैं, ध्यान से देखो, इसमें अभी हम बताते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा फैक्ट बताएंगे। 175 नंबर का आंसर बताइए भाई क्या हो जाएगा, 175 नंबर का, स्वामी विवेकानंद ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। आप कहोगे सर इनके नाम से हुआ था तो इन्हीं का होगा ना, इन्होंने स्थापना की होगी, नहीं, रामकृष्ण परमहंस जो थे वो बहुत ही ज्यादा भक्ति में लीन थे, उनको ऐसा लगता था कि भगवान है, एक दिन मैं जाके भगवान से मिल लूंगा। उन्होंने बहुत सारे फैक्ट बताए, उन्होंने जो सारे फैक्ट बताए उनको लागू करने के लिए स्वामी विवेकानंद थे ना, तो एक मिशन की स्थापना की जिसका नाम रखा रामकृष्ण मिशन, ये उनके बहुत बड़े अनुयायी थे, ये जो हमारे कौन थे, स्वामी विवेकानंद, यही उस धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए थे, तो स्थापना इन्होंने की, इन्होंने ही उसका प्रचार प्रसार शुरू किया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 176 कह रहे हैं राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी कौन सी थी भाई, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, तत्बोधिन सभा, कौन सी थी भाई। क्वेश्चन नंबर 176 का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा, आत्मीय सभा, कौन सी थी, आत्मीय सभा।
नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है। ए हो ह्यूमा को, महात्मा गांधी को, लोकमान तिलक को, दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 17 उत्कर्ष मिश्रा जी, ये क्या है 172 का ए होगा, 172 का बी बताया हमने शायद। चलिए देख लीजिएगा, जो भी है हमारे हिसाब से सही था वो, बाकी देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 177 क्या है, 177 का क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है। किसको, लोकमान तिलक को। किसको माना जाता है भाई, लोकमान तिलक को। कह रहा है कि शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे, राजगुरु भगत सिंह, उधम सिंह, या अरे लाला लाजपत राय जी फेमस थे। कौन थे, लाला लाजपत राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं कि 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए भाई जल्दी से आंसर कमेंट करिए। 179 अबुल कलाम, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। 179 क्या हो जाएगा, करें 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अबुल कलाम, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन थे भाई, जेबी कृपलानी थे। कौन थे, जेबी कृपलानी। इस क्वेश्चन का सी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, 181 क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति क्या थी। कांग्रेस के नेताओं के कमेंट बहुत धीरे आ रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी शेयर करो इसको, पहले एक बार शेयर करो इसको, ऐसे काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, शेयर करो पहले इसके वीडियो को, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। हमने कहा था गुरुदक्षिणा बहुत जरूरी होती है, आपको देना जरूरी नहीं मजबूरी होता है ना। और हम लोग क्या लेते हैं, केवल और केवल लाइक और शेयर लेते हैं। आज तो हमने एक अलग टाइप की कसम दी है, सारे के सारे लड़के लगाएंगे जरूर, है ना, क्योंकि उनके लिए दुनिया में उससे ज्यादा प्रिय तो कोई चीज है ही नहीं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 182 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 181 अभी नहीं हुआ, 181 में क्या हो जाएगा भाई। कह रहा है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति क्या थी, असहयोग, राजवामन, अनुकूल प्रगटन, अविधेयक। क्या थी भाई, राजवामबंद। क्लियर है, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी, विपिन चंद्र पाल को, लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को। किसको दी गई थी भाई, बाल गंगाधर तिलक को। कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन। किसमें किया था भाई, क्वेश्चन नंबर 183 किसमें किया था, लखनऊ अधिवेशन में किया था। किसमें, लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 184 कह रहा कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। 184 क्वेश्चन नंबर 184 शेयर करते रहो भाई लोग, और वीडियो को लाइक करते रहो और कमेंट जरूर करो जो भी आंसर आ रहा है आपको। गलत हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन आप आंसर कमेंट करो, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 184 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। किसने उड़ाया था भाई, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डेफरिन ने उड़ाया था। किसने, लॉर्ड डेफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दूसरे अधिवेशन में 1866 में अध्यक्षता किसने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, लाला लाजपत राय ने, अभी बताया पिछले ये क्वेश्चन आ भी चुका है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणार्थियों के समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हुआ करते थे। क्या है जाएगा आंसर,
कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन, देशी राज्यों के प्रति नीति सरकार के प्रति, कांग्रेस समाजवादी दल के दोहरी सदस्यता के प्रति, किसके प्रति हुआ करता था भाई? क्वेश्चन नंबर 186 क्या हो जाएगा? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रति हुआ करते थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 187 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? क्वेश्चन नंबर 187 क्या हो जाएगा भाई? श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 188 नंबर क्या है? 188 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो भाई, सारे के सारे आंसर कमेंट करने हैं आपको। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 188 के कह रहे हैं लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, किसको जाना जाता है भाई? जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार स्पेशलिस्ट पार्टी से था? किसका संबंध बिहार स्पेशलिस्ट पार्टी से है? जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एमएन राय या सुभाष चंद्र बोस? किससे है भाई? जयप्रकाश नारायण जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? बी आर अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, एम के गांधी, सी राजगोपालचारी? बताइए भाई, जल्दी से आंसर कमेंट करो। 1932 की बात कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 190 सही आंसर क्या हो जाएगा? एम के गांधी। एम के गांधी कोई बताएगा एम के गांधी का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से कमेंट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, फिर अभी बताएंगे एम के गांधी कौन थे। एम के गांधी जल्दी से बताओ फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 191, 192, 93 पूना समझौता का संबंध था किससे था भाई? पूना समझौते का संबंध किससे था? दलित वर्ग से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षिक सुधार से, हिंदू मुस्लिम एकता से? किससे था भाई लोग? संवैधानिक प्रगति से था। किससे? संवैधानिक प्रगति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 192 महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? प्रथम आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, कब प्रारंभ किया था भाई साहब? कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग घटना के समय, दिल्ली के दंगों के समय? कब किया था भाई? कम्युनल अवार्ड के समय। कब किया था? कम्युनल अवार्ड के समय किया था। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 193 क्या कह रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है? कालीबंगा, हड़प्पा, आलमगीर, गिरारपुर, लोथल? कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 193 सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई बहुत फेमस है ना। हाँ चलो नेक्स्ट आ जाओ। 194 कह रहे हैं मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदाड़ो मूवी देखी है? ऋतिक रोशन वाली बहुत अच्छी मूवी है, एक बार अगर जो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 194 मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? कौन सी थी भाई? विशाल स्नान ग्रह, अन्ना ग्रह। कौन सी थी? अन्नागार। कौन सी? अन्नागार। फिर कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। कौन सा स्थान भाई साहब? लोथल हमारा कहां पर स्थित है? भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 196 सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? प्रगति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन। हेलो, हाँ हाँ कह तो रहे थे मानेंगे थोड़ा। ठीक है ठीक, ये हमारी माता जी हैं। ठीक है, इनको नहीं फर्क पड़ता है कहाँ हो आप, अगर जो फोन करना है तो कभी भी करेंगे। बाय द वे बहुत अच्छी चीज होती है,
आप ये समझो कि बिना किसी कंडीशन के केवल एक ही पर्सन आपसे प्यार कर सकता है, वो होते हैं आपके माता पिता। उनको रिवर्स में कुछ भी नहीं चाहिए होता है, रिवर्ट में उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। क्लियर है? चलो आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196। 196 क्या हो जाएगा? हमसे ये पूछ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, क्या थी? प्रकृति की शक्तियों की पूजा थी, व्यवस्थित शहरी जीवन थी, ग्रामीण खेती थी, जाति आधारित समाज थी। क्या थे भाई? व्यवस्थित शहरी जीवन था। क्या था? व्यवस्थित शहरी जीवन। अगला क्या कह रहे हैं? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे भाई? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्म की, विष्णु की। किसकी करते थे? पशुपति की करते थे। किसकी करते थे? पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 198 कह रहे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? गौतम बुद्ध द्वारा आनंद थे, सारिपुत्र थे, मदोग्लायन थे या सुभद्द थे? भाई सुभद्द थे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 199 अष्टांग मार्ग की संकल्प अंग क्या है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यवाद विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण एवं विषय वस्तु का, धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 199 धर्म चक्र परिवर्तन के विषय वस्तु का था। किसका? धर्म चक्र परिवर्तन के विषय वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 200 अलार कलाम कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्ध के गुरु थे या बुद्धकालीन शासक थे? क्या थे भाई? बुद्ध के गुरु थे। क्लियर है? 200 क्वेश्चन हो गए हैं। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ किसके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, और शेयर करो एक बार फिर से, फिर हम लोग अगले 200 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 500 क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है? हाँ फटाक से। चलो भाई आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 201। हाँ क्वेश्चन देख लिया ना भाई? कह रहे हैं कि अलार काम वो तो हो गया। 201 में क्या कह रहे हैं? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेना द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या नागसेन द्वारा? किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 201। अरे कहाँ गए भाई सारे के सारे लोग, कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 201। आर के सिंह कह रहे हैं ए पार्ट। हमसे ये कह रहे हैं बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा की गई थी। फिर कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है भाई? मौर्य युग, कुषाण युग या गुप्त या पाल? 202 कौन सा है भाई? गुप्त युग है। कौन सा है? गुप्त युग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी, कहाँ पर स्थित है? महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ पर स्थित है? हस्तिनापुर में, अहिच्छत में, इंद्रप्रस्थ में या मथुरा में? क्वेश्चन नंबर 203 क्या हो जाएगा आंसर? अहिचत्र में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। यार अगर जो ऐसे शेयर नहीं करोगे तो इसके बाद में हम लोग क्लास को बंद कर देंगे। क्लियर है? आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। क्या कह रहे हैं? 204 मगध के किस प्रारंभिक शासन में राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र को मारा गया था? क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 204। अब हम देख लेते हैं कितने लोग हैं। बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है?
और इसमें क्लास कंटिन्यू करना आसान नहीं है, क्लियर है? आप ये समझ लो, मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट का टाइम और देता हूँ, अगर जो शेयर कर रहे हो तो ठीक है, उसके बाद क्लास कंटिन्यू होगी, नहीं तो हम यहीं से खत्म कर देंगे, इस चीज को ध्यान में रखो, क्लियर है? हाँ, पहले शेयर करो, इसका नंबर बढ़ाओ, मिनिमम 100 वाचिंग करोगे तभी हम जो है तो आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 100+ चाहिए, अभी हम खड़े हुए हैं, हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो शेयर करो पहले, ऐसे हम पढ़ाने वाले ही नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन है, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और पीडीएफ भी ऐसे नहीं देंगे, जल्दी से शेयर करो, जल्दी से, अभी नहीं बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, मजा ही नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अभी 14:31 हो रहा है और 14:35 पर हम क्लास खत्म कर देंगे, अगर जो आप लोगों ने शेयर नहीं किया, 100+ नहीं आया तो 14:35 पे क्लास खत्म कर देंगे। चलो जल्दी से शेयर करो, कोई बात नहीं। आप ये समझो, इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं और आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है? तब तक 2-4 क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद फिर देख लेंगे क्लास का क्या करना है, ठीक है? चलो 205 नंबर क्वेश्चन, 204 का हो गया था भाई, 204 का क्या था? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य रोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश पुत्र मारा गया था? क्या था? बिंबिसार के कारण। किसके द्वारा? बिंबिसार। शिशुनाग वंश का वह शासक था जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। क्लियर है? शेयर करो, जल्दी से शेयर करो, नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक है? 205 नंबर का क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश वह शासक था जिसने शासनकाल में वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीतक का आयोजन किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? काला शोक। क्या हो जाएगा? काला शोक। क्लियर है? चलो ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि शेयर नहीं करोगे हम इतने बच्चों के लिए इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, ठीक है? चलो तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। हाँ, जब भी आप लोगों को लगे कि ऐसे हम लोग शेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा काम टीचर्स के लिए भी कर सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? चलो, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करने की तो बात ही मत करो यार, ठीक है? चलो, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच।